Om Ajnanati Mirandasya Jnananjan Chalakya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurve Nama Vancha Kalpatru Bhesha Kripa Sindhu Bhayuja Patitanam Pavne Bhayo Vaishnave Bhayo Namo Nama Namo Mahavadanaya Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanamni Gaurat Vishe Nama Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namosute Vrindaya Tulsi Deviya Priyaya Keshvasacha Vishnu Bhakti Prade Devi Satyavate Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Hum प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए जहाँ पे हम वैकुंठ की महिमा पढ़ रहे हैं तो उत्तरा यही कहती है कि अगर कृष्ण के जो अन्य भक्त होते हैं प्रेम हो प्रेमी भक्त होते हैं उन्हें भी अगर वही गति मिलती है जो भक्तों को वैकुंठ में मिलती है तो फिर उस शुद्ध भक्ति का प्रकृष्ट भक्ति का मतलब क्या मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कुछ और उनकी गति अच्छी होनी चाहिए तो वो क्या होती है इसको हम आगे आगे जैसे पढ़ेंगे समझते जाएंगे वेरिड एंड काउंटलेस एक्सलेंसेज फ्लो इन टू दोज डिवोटीज लाइक रिवर्स इन टू द ओशन यानी हर प्रकार के सदगुण उस भक्त के अंदर प्रवेश करते हैं जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं वैसे उनके अंदर सारी ऐश्वर्य सारे सद्गुण भक्तों के अंदर प्रवेश करते हैं कमेंट्री ऑल वैराइटीज ऑफ परफेक्शन आर फुली मैनिफेस्ट इन द डिवोटीज ऑफ गोकुल तो कहते हैं जो गोकुल के जो भक्त होते हैं उनके अंदर पूर्णता प्राप्त होती है दो डिवोटीज आर परफेक्टली ब्यूटिफुल यानी वो पूर्ण रूप से सुंदर हैं charming and graceful यानी बड़े अच्छे दिखते हैं सौम्य लगते हैं and they're endowed with the valuable assets of religious duty, economic development, sense gratification, renunciation, knowledge, realization, devotion and pure love of God यानी उनके अंदर ये सारे गुण हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष वैराग्य ज्ञान विज्ञान भक्ति और शुद्ध प्रेम All these perfections are present within them to the utmost degree possible for the finite living being. यानी ये सारी जो पूर्णता है उनके अंदर पूर्ण रूप से वास करती हैं. Whenever Shri Brihad Bhagavatam depicts the glories of devotees lesser than the residence of Gokul, his purpose is to highlight the greater glories of the Gokul Vasis and demonstrate that all varieties of excellences flow ultimately into the residence of Gokul. मतलब क्या होता है ब्रह भागवतम के अंदर जब भी भक्तों की महिमा का वर्णन किया गया है और उन भक्तों का जो गोकुल से नीचे जैसे वैकुंठ या ऊपर के लोग मोक्ष सब में है वैकुंठ या उनके आसपास के लोगों में या साकेत हो गया या द्वारका वगैरह हो गया उनका वर्णन जब करते हैं उसके उनका तात्पर्य कैसा वर्णन करने का कि जो गोकुल का है वो सर्वश्रेष्ठ स्थान है और वहाँ के जो भक्त हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं सब कुछ उधर ही एंड होता है जैसे आज वाटर ऑफ ऑल फ्लो इंट्रोड्यूशन सारे सब नदियों का जल समुद्र में जाता है तो उसकी जो पराकाष्ठा सब सद्गुणों की वो वही है कि गोकुल महावन जो है जहाँ पे कृष्ण जी का वास है वही है देयरफॉर अ सुटेबल प्लेस मस्ट श्योरली एग्जिस्ट फॉर देम इसलिए उनके लिए कोई स्थान होना ही चाहिए बियॉन्ड वैकुंठ जो वैकुंठ से परे हैं प्लीज रिवील इट टू मी एंड रेस्क्यू मी
यानी मुझे बताओ और कि वो क्या है जो वैकुंठ से परे है, बियॉन्ड वैकुंठ. कमेंट्री: इन दिस वर्स मदर उत्तरा सम अप हर इंक्वायरी. शी रीजंस दैट देयर मस्ट बी सम प्लेस इवन ग्रेटर देन वैकुंठ. तो वो कहती है कि कोई ना कोई ऐसा स्थान होएगा जो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ होएगा. अ प्लेस सुटेबल फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ डिवोटीज लाइक नंद एंड यशोदा, यानी उन भक्तों के लिए जो मधुर रस की है, जो ब्रजवासी है, खास करके नंद यशोदा, उनके लिए कुछ खास स्थान होने चाहिए. दैट प्लेस शुड हैव सर्टेन क्वालिफिकेशंस, उसके अंदर कोई खास गुण होने चाहिए. It should be devoid of thought that the Lord is the supreme, all-powerful controller. यानि कि ये हमको भूलना पड़ेगा कि वो ईश्वर है और सबके शासक है. क्योंकि ये जब भाव रहता है कि वो ईश्वर है, सबके शासक है, वहाँ पे प्रेम घट जाता है. संबंध होता है कि प्रेम है या मेरे मित्र हैं या मेरे प्रेमी है या पति है या प्रेमिका, जो भी है, वहाँ पे प्रेम सर्वश्रेष्ठ होता है. या अगर ये बात है कि ईश्वर है तो फिर आप पे संकोच हो जाता है, संकोचित होता है, हो जाता है हर चीज. तो कहते हैं इनर इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल एंडेवरिंग, इट शुड बी अनटेंटेड बाय फ्लॉस दैट इम्पेड द ग्रोथ ऑफ एक्सटेटेड लव. यानी जो प्रेम है वो बढ़ना चाहिए, उसमें कोई ये इस प्रकार का दाग नहीं लगना चाहिए. नहीं नहीं, जो ईश्वर है कैसे हम उसको बोले, कैसे अधिकार जितना, ये बात नहीं आनी चाहिए, ये फीकापन नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इनविजिबल टू डोज हु आर एडिक्टेड टू ड्राइव नॉलेज, जो केवल ज्ञान के लिए परिश्रम करते हैं और ज्ञान में जिनकी आसक्ति है वो इन चीज़ को नहीं समझ सकेंगे. And it should be approachable only by those dearmost servants of the Lord who delight in being caught under the sway of prem. और वो इनको क्योंकि भगवान हमें प्राप्त हो जानी चाहिए. किस कौन कहता only by those dearmost servants of Lord who delight in being caught with the sway of prem. यानी untasted in the world or any other. तो कहते हैं वो ही शुद्ध भक्त उनको प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवान के जो दास होते हैं वो प्राप्त कर सकते, जो बहुत ज़्यादा प्रेमी होते हैं, जो उसका आस्वादन करते हैं, जो केवल प्रेम में डूबे हैं, उनके अंदर ये ऐश्वर्य भाव नहीं है. यानी ज्ञान मिश्रित भक्ति नहीं है, कर्म मिश्रित भक्ति नहीं है, जहाँ पे केवल शुद्ध भक्ति है. क्योंकि ज्ञान मिश्रित और कर्म मिश्रित भक्ति में भक्ति प्रेम कम हो जाता है, लेकिन जहाँ पे शुद्ध भक्ति होती है वहाँ पे ही परम रस रहता है. इट शुड बी स्वीटर देन स्वीट, वो मीनिंग मीठे से मीठा होना चाहिए. सुपीरियर टू सुपीरियर, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ होना चाहिए. डिस्क्राइबल ओनली बाय ग्रेस एंड वो फॉर एवर रिलिश द टेस्ट ऑफ क्रिस्टल लोटस फीट. कहते हैं उन्हीं संत इसकी आस्वादन कर सकते हैं और व्याख्या कर सकते, जिन्होंने कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया है. सेंस लाइक नारद, जैसे नारद हो गए. फॉर श्योरली ही मस्ट सिंग द ग्लोरीज ऑफ दैट प्लेस विद हिज वीणा, उनको उस स्थान की महिमा का गान करना चाहिए अपने वीणा पे. सच अ यूनिक प्लेस मस्ट सर्टेनली एग्जिस्ट, ऐसा कोई अद्वितीय स्थान वहाँ पे होएगा ही होएगा. उत्तर थिंग्स बट इट इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एंड आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट. कहते हैं ये बहुत गोपनीय होगा और मैं ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ. आई एम अनएबल टू असर्टेन हिज आइडेंटिटी, मैं उसके बारे में जान नहीं सकती. देयरफॉर लॉस्ट इन एन ओशन ऑफ सैडनेस इन वेव्स ऑफ डाउट्स, तो निराश हो गई थी और शंका हो गई थी. इन डीप करंट ऑफ कन्फ्यूजन शी आस्क्ड सन, यानी बुद्धि विक्षिप्त हो गई तो अपने पुत्र से प्रश्न करती है परीक्षित टू रिवील दैट प्लेस टू हर बट डिस्क्राइबिंग इट इन वर्ड, उस स्थान का वर्णन करो आपके शब्दों के द्वारा. बाय डूइंग दिस ही विल लिफ्ट हर आउट ऑफ द ओशन ऑफ सॉरो, तब उसे इस दुख से बाहर करेगा जब उस स्थान का वर्णन करेगा
जो वैकुंठ से भी परे है, जहाँ पे नंद बाबा और यशोदा मैया जाती हैं, जो स्थान उनके लिए बना है उस स्थान के बारे में वो जानना चाहती हैं। ऑफ कोर्स द ब्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मथुरा द बेस्ट ऑफ ऑल प्लेसेस, तो कहते जो मथुरा है जो सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है, इज ऑलरेडी मैनिफेस्ट ऑन अर्थ एंड कैन मोस्ट सर्टनली प्रोवाइड श्री नन एंड अदर्स द एक्सेप्शनल हैप्पीनेस और टेकिंग पार्ट इन द लॉज वंडरफुल पास टाइम। वो इस धरातल पे है, वो मथुरा ब्रजमंडल जो है मथुरा धाम है इस है, और यहाँ पे नंद बाबा और यशोदा को वो आनंद प्रदान कर सकता है भगवान की लीला के दर्शन करके और उसमें सम्मिलित करके। बट उत्तरा हैज डाउट्स बिकॉज दैन मथुरा इज विद इन द मटीरियल, उत्तरा को शंका होती क्योंकि ये मथुरा जो इस भौतिक जगत के अंदर है। दस शी इज आस्किंग वेदर अनदर ट्रांसेंडेंटल लोकेशन एग्जिस्ट फॉर द पास्ट टाइम और कृष्णा एनी फेवरेट डिवोटी, वो पूछ रही हैं कोई और ऐसा दिव्य गोकुल भी है ऊपर जहाँ पे कृष्णा अपनी लीला करते अपने करीबी भक्तों के साथ, प्रेमी भक्तों के साथ। टू एक्सटर्नल विजन द मॉडर्न रेजिडेंस ऑफ द अर्थली मथुरा सीम सब्जेक्ट टू डी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन डिजीज ओल्ड एज एंड दैट एंड सो एम्पियर इंटेंगल इन मॉडर्न इल्यूजन, यानी आज के जो मथुरा दिखाई दे रहा है जैसे हमारे शरीर में रोग होता है, बुढ़ापा होता है, मृत्यु होती है, तो हमें को उसी प्रकार हमारी आँखों में माया के कारण हमें जो वास्तविक ब्रज के दर्शन नहीं होते हैं जो होने चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें प्रेम के चक्षु चाहिए, बगैर प्रेम के उस दिव्य चिन्ह में ब्रज के दर्शन नहीं हो सकते हमको। जो आज हमें दर्शन हो रहे हैं वो हमारे माया का माया के कारण है। अनलाइक द लॉर्ड अबोर्ड इन वैकुंठ द मथुरा ऑन अर्थ डज नॉट सीम टू अवॉर्ड इमीडिएट परफेक्शन टू एवरीवन हु मेरली स्टेप्स इनटू इट, कहते जैसे वैकुंठ में भगवान का धाम है वैसे मथुरा जो इस धरातल पे पृथ्वी पे दिखाई दे रहा है वो हर बंदे को पूर्णता नहीं देता है, ऐसे दिखता कि पूर्णता नहीं दे रहा है जो भी वहाँ पर जाते हैं। सो उत्तरा डाउट्स वेदर द अर्थली मथुरा इज इन फैक्ट द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन एंडेवर, अब उसे शंका हो रही है ये जो मथुरा इस भूमि पे है क्या वही हमारा लक्ष्य है इंसान का। एंड शी सस्पेक्ट दैट एट द टाइम ऑफ यूनिवर्सल एनिलेशन और द पार्शियल एनिलेशन ऑफ द थ्री मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मथुरा में डिसअपीयर, उसे शंका होती है जब ये ब्रह्मांड का नाश होता है या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, अरे ब्रह्मा के रात्रि में नाश होता है और जब ब्रह्मा जी का पूरा 100 वर्ष हो जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड नाश होता है, तो आंशिक और पूर्ण प्रलय दोनों होते हैं। द क्वेश्चन रेज बाई मदर उत्तरा ऑल दो सप्टल एंड देयर फॉर डिफिकल्ट विल ग्रेजुअली बी आंसर बाई परीक्षा टू द स्टोरी ऑफ गो कुमार, जो प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर गो कुमार की कथा से प्राप्त होगा। फर्स्ट परीक्षा विल डिस्क्राइब श्री गोलोक इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एज द डेस्टिनेशन ऑफ कृष्णा मोस्ट इंटीमेट डिवोटीज, पहले परीक्षा उस गोलोक का वर्णन करेंगे जो वैकुंठ में है और जहाँ पे कृष्णा के अंतरंग भक्त जा सकते हैं। एंड देन ही विल स्पीक अबाउट द प्लेजर पास टाइम्स कृष्णा परफॉर्म बोथ हियर एंड इन द मथुरा ऑन अर्थ, और फिर वर्णन करेंगे कि कृष्णा जो लीला करते हैं उस वैकुंठ में भी और इस धरातल मथुरा में भी करते हैं। ऑल्दो द अर्थली मथुरा इज लोकेटेड विद इन द मटेरियल रियम, तो ऐसा दिखता है कि जो मथुरा जो है इस संसार के अंदर है, इट रिमेन अनटच बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ इल्यूजन, लेकिन उसको माया का स्पर्श बिल्कुल नहीं होता। जस्ट एज द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ ही डिवोटीज एंड इस पास्ट टाइम रिमेन अनअफेक्टेड, जिस प्रकार भगवान के भक्त उन पे काल का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो भगवान के प्रेम में डूबता है उस पे काल की दाल नहीं गलती क्योंकि वो काल से परे हो जाता है। लेकिन ये वही हो सकता है जो प्रेम में मग्न होता है, बगैर प्रेम में मग्न हुए काल का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा हमारे ऊपर, इसलिए हमें बहुत हरी कथा और भजन करना चाहिए, उस प्रेम में हमको गोते लगाने हैं, जब गोते लगाओगे तब आप काल से परे हो जाओगे।
a devotee and a person remain unaffected by illusion when they descend to the material. भगवान और उनके भक्त माया के का उनका प्रभाव नहीं पड़ता जब वो धरातल पे आते हैं. एज श्री नारद मुनि विल स्टेट इन दी ब्रह भागवत अमृत. एज जैसे नारद जी अभी बोलेंगे ब्रह भागवत अमृत पे बोलने वाले हैं आगे चल के. द लॉर्ड्स नेम हिज पास्ट टाइम एंड हिज फेवरेट अबोर्ड्स एंड एवरीथिंग दैट हैज़ टू डू विद हिज सर्विस कैन अज्यूम वेरियस फॉर्म. भगवान के नाम उनकी लीलाएँ और उनका जो लोक है और जो कुछ भगवान का है उनकी सेवा के लिए कैन अजुम सब रूप धारण कर सकते हैं. यानी कोई भी चीज़ वहाँ पे जड़ नहीं है. हर चीज़ चेतन है. पत्थर भी चेतन है सेवा करेगा. रज भी चेतन है वो सेवा करेगी. पेड़ पौधे भी चेतन है वो भी सेवा करते. हर चीज़ जो भगवान के धाम में चेतन है वो दिव्य है और भगवान की सेवा में वो लगी रहती है. जड़ नहीं जैसे हमको दिखाई देता है. And you should know that just as all these are eternally real, each of them is simultaneously one and many. तो ये वास्तव में सत्य हैं लेकिन हर चीज़ जो है एक है और अनेक रूप है. मतलब कि जैसे भक्त होते हैं एक रूप से साधक के रूप में भजन करते हैं और दूसरे रूप से भगवान के देव धाम में सेवा करते हैं. तो एक होते भी अनेक रूप होते हैं भगवान की सेवा में दुख रहते हो. हमने हमारे आचार्यों के विषय में पढ़ोगे हमारे कितने आचार्य श्रीनिवास आचार्य हो गए या कोई और हो गए तो एक शरीर से यहाँ पे साधन करते हैं और दूसरे शरीर से भगवान के दिव्य धाम में वहाँ पे सेवा करते हैं. योग माया द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड अरेंजेस फॉर द प्रेजेंट डे रेजिडेंस ऑफ मथुरा. योग माया जो भगवान की शक्ति है वह भगवान के रहने की व्यवस्था करती है मथुरा में टू अपियर टू अंडरगो मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन. तो कहते हैं योग स्पिरिचुअल एनर्जी लॉर्ड अरेंजेस फॉर द प्रेजेंट डे रेजिडेंस ऑफ मथुरा टू अपियर टू अंडरगो मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन. जो आजकल जो लोग निवासी हैं वह भी योग माया की इच्छा से हैं और उनमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है. वो हर चीज पर उनको दिखाई दे रहा है. द लॉर्ड स्पिरिचुअल एनर्जी डज दिस टू डेल्यूड द नॉन डिवोटीज एंड सेटिस्फाई द लॉर्ड डिवोटी. इसका तात्पर्य यह है कि जो अभक्त होते हैं वो यह साथ से दूर है. देखो उधर धाम में भी जाके भी बुढ़ापा रोग मृत्यु पूर्णता नहीं है क्या करेंगे. तुम जो बोलते हो गलत है. भगवान का धाम हमेशा चिन्मय है. वो चिन्मय रहता है और भक्तों को दूर रखने के लिए इस प्रकार योग माया व्यवस्था करती है कि दिखता है कि वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है. उधर भी बुराई है ये है वो है अच्छे लोग नहीं क्योंकि दुष्ट यहाँ से दूर है लोग आए ना. जो सिंसियर भक्त हैं केवल वही वहाँ पर आए. जो भजन करने हैं वो आए और जो भजन नंदी नहीं है वो मोहित होकर यहाँ से चले जा कहते हैं यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है. तो ये भी योग माया की व्यवस्था है जीव को भटकाने के लिए जो प्रभु से विमुख होते हैं. तो कहते हैं टू डिल्यूट नॉन डिवोटी एंड टू सेटिस्फाई लॉर्ड डिवोटी. जस्ट एज शी प्रेजेंट्स नॉन डिवोटीज फ्रॉम फीलिंग एक्सटेसी इवन आफ्टर हैविंग पर्सनल ऑडियंस ऑफ द लॉर्ड द एम्बॉडीमेंट ऑफ हाइस्ट ब्लिस. तो कहते हैं अगर भगवान से की वाणी भी सुनोगे तो भी उनका कोई आनंद की अनुभूति नहीं होगी. जो अभक्त क्योंकि दुर्योधन भी तो सुनता था प्रभु की बात कंस में उनको क्या आनंद की होती. ये आनंद की अनुभूति उन्हीं को होती है जो भजनानंदी होते हैं. जो भजन करते हैं जो साधु संग करते हैं उसी के अंदर भगवान को समझने की क्षमता और आनंद लेने की क्षमता उसी को प्राप्त होती है क्योंकि इसकी इंद्रिया शुद्ध हो जाती है साधु संग से. द सब्जेक्ट विल बी एक्सप्लेन लेटर इन द नरेशन ऑफ गो कुमार सोजन इन तपोलोक. इसको आगे समझेगा जब वो तपोलोक जाएंगे गो कुमार. दैट द ग्लोरीज ऑफ द अर्थली मथुरा आर हिडन फ्रॉम ऑर्डनरी आईज इंडिकेट द ग्रेटनेस ऑफ द अबोर्ड. तो मथुरा का जो महत्तम है साधारण दृष्टि से ओझल रखा गया है यही तो उसकी महानता है. अब भक्तों को मोहित करने के भगाने के लिए उसको ओझल रखा हुआ है. इससे कहना कोई भी धाम को समझने के लिए प्रेम चक्षु चाहिए. कथा और जाप के द्वारा आपको प्रेम चक्षु की प्राप्ति होगी. इंडीड दी अर्थली मथुरा एनी ग्लोज आर एटर्नल. जो मथुरा यहाँ पे है उसकी महिमा नित्य है
they are not destroyed even when the universe is annihilated. Inka nash nahi hota hai, chahe brahmand ka nash ho bhi jaye, is brish ka nash nahi hota. Aur aap dekhoge ye garg samhita golok khand ke andar nahi vrindavan khand ke andar katha aati hai. Jab hiranyaksh jo tha prithvi ko patal mein le gaya tha aur prabhu ne bhara ka roop dharan kiya, prithvi ko bahar nikala तो पृथ्वी देखा कि सबको चाहता पानी पानी जल ही जल है. तो उसने पूछा प्रभु का मुझे कहाँ पे रखोगे, कहते स्थान पे रखूँगा तुझे, कहते सबको सबके आधार तो मैं हूँ, तो फिर या तो सब जल ही जल है तो मेरे पर ही तो सब आता, तो मुझे कहाँ रखोगे. तो प्रभु का इसके अंदर अभिमान हो कि मैं ही सबका धारण करने वाली हूँ. तो प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया. जब चली तो उसको देखते कि पानी पी में जमीन दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रहा है, घास दिखाई दे रही है. वो हैरान हो गई, कहते ये कहाँ से, ये क्या चीज़ है. तो कहते हैं ये ब्रजमंडल है, त्रिलोकी का नाश होने इसका नाश नहीं होता और उसके इसके आधार पर तो स्थित होगी. भावे पृथ्वी को रखा, यानी सब कुछ भगवान के आधार पर स्थित है. ये गर्ग संहिता वृंदावन खंड के अंदर आई थी पहले चैप्टर में, ये कथा पहले के दूसरे चैप्टर में कथा आती है. इसे कहा ना, ये जो हम ब्रह भागवतम पढ़ते हैं ना, भागवतम का दशम सुन कृष्ण लीला और गर्ग संहिता पढ़ने के बाद ये पढ़ना चाहिए. तब आप इसको बराबर कैश करते हो, आपको बहुत रस आएगा क्योंकि आपको बैकग्राउंड पता है क्या है, उसके आधार पर ये ग्रंथ आगे बढ़ा है. ये भागवत से हमें आगे लेके जाता है. तो अगर जिनको भगवान की वो लीला है जिन्होंने एक बार भी सुनी है या पढ़ी है तो वो इसका रस आस्वादन कर सकते हैं. अगर नहीं पढ़ी तो उसको ये ग्रंथ में ज़्यादा रस नहीं आएगा क्योंकि उसका पीछे की पृष्ठ भूमि क्या पता नहीं ना. पीछे की भूमि वो लीला क्या है, डिवोटीज हो थिंक दैट मथुरा मे बी इन द फ्यूचर डिसअपियर आर मिस्टेकन. तो जो कोई सोचता है कि आगे मथुरा लुप्त हो जाएगा ये उसका भ्रम है. बिकॉज इन फैक्ट मथुरा इज बियॉन्ड डिस्ट्रक्शन, मथुरा का कभी नाश नहीं होता. इवन बाय द लॉज अल्टीमेट डिवाइन वेपन द सुदर्शन डिस्क विच इज द गवर्निंग फोर्स अंडरलाइंग द मटीरियल टाइम. यानी भगवान का कोई भी शस्त्र मथुरा का नाश नहीं कर सकता, या सुदर्शन चक्र भी जो काल की तरह है और समय के अनुसार से संसार में सबका नाश करता है. द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड त्रिलोकी को नाश कर रहा है, उनका सुदर्शन चक्र ही काल है जो चक्कर लगा रहा है और सबका नाश कर रहा है. ऑल द सेम मदर उत्तरा इज आस्किंग अबाउट सम अदर सुप्रीम प्ले, माँ कुछ और शेष स्थान की बात कर रही है. बिकॉज द ग्रेट ऑफ अर्थरी मथुरा इज नॉट एट वंस परसीव्ड, बिकॉज इस मथुरा की जो महिमा है एकदम हमें समझ में नहीं आती है. मैंने कहा ना पहली बार जब हम ब्रज में गए थे, मैं जब गया था अहिनम दीक्षा के बाद, मुझे 5 दिन के ले गया, मुझे कुछ रस नहीं आया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. ठीक है, अच्छा लगा, ठीक था, लेकिन मुझे जमा नहीं, समाव क्या है क्या नहीं है. ये धीरे धीरे ग्रंथ पढ़ने से, जाप करने से, बार बार जाने से धीरे धीरे वो धाम प्रकाशित होने लगा. और आप देखोगे मैं को 15-16 बार कर जा चुका ब्रजमंडल परिक्रमा. पिछली बार हमने 3 नए स्थानों के दर्शन किए, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो स्थान पहले थे. मेरे को इतने साल लगे उसके दर्शन करने के, मेरे आंखों के सामने अब ये धाम भी अपने समय पे प्रकाशित होएगा. आप बोलो कि मैंने सब देख लिया, मैंने जान लिया है, मैं इतने साल जान, ये भ्रम है इंसान का. क्योंकि वो 3 स्थान मुझे देखे, मुझे पहली बार मेरे को ये पता चला कि स्थान है और मैंने दर्शन किए, मुझे अच्छे भी लगे. फिर आने के अब एक और जगह पर खेलन वन है, मुझे बरसाने से 1 किलोमीटर दूर मुझे पता नहीं आने के पर वो भी दर्शन करने. तो देखो एक एक चीज़ जो है कितनी अंदर सी गोपनीय चीज़ें हैं जो हमारे पास हमने देखी तक नहीं है और हमने सुनी भी नहीं, वो एग्जिस्ट करती हैं. और ओवर अ पीरियड ऑफ धीरे 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 जैसे आपकी साधना बढ़ती है और आप सेवा करते हो, धाम की परिक्रमा करना ये धाम की सेवा ही होती है. हम पैदल चलते हैं धाम में, ये धाम की सेवा हरिनाम करते हुए, दैट वो आपको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बेगा हरिनाम जाओगे करने तो आनंद नहीं आएगा, हरिनाम करते हुए वो धाम की सेवा थी, तब धाम भी अपने आप को प्रकाशित करेगा. अब लगता है इतना रस है कि ब्रज से बाहर जाना नहीं चाहिए, लेकिन इस स्थिति को आने में मुझे कई साल लगे, ओवरनाइट नहीं हुआ. कुछ भक्त मैं सब गए 2-3 साल पहले
उनको रस क्योंकि ज़्यादा गन पढ़नी थे हरिनाम खाने बहते हमको घर की याद आती है, हम घर जाना चाहते हैं, हमको मैं घर की याद आ रही, हमें तो दिल करता कि आजीवन इधर व्यतीत कर नहीं, वो तड़फ रहे थे घर जाने के लिए और शुक्र के ट्रेन में। ऐसा हुआ कि उसके बाद 3 साल हो गए, 2 या 3 साल भी वो जा नहीं सके बस धाम, क्योंकि अगर धाम का तिरस्कार करोगे, अगर धाम को आपने अप्रिशिएट नहीं किया तो धाम आपको बुलाता भी नहीं है। आप ये नहीं सोचना कि आप टिकट निकाल के धाम में जा सकते हो, धाम में राधा रानी की कृपा से ही जाया जा सकता है। ये मन में विचार आना मुझे जाना है, वो भी राधा रानी कृपा है और उनकी कृपा से ही जीव धाम में जा सकता है और रह सकता है। कोई सोच ले कि मैंने घर ले लिया, जमीन ले ली है और मैंने घर में तो मैं रहूँगा, नहीं, क्योंकि आप किसी नौकर को रख दोगे वो उधर सेवा कर सफाई करेगा, तो यानी आप सारी ज़िंदगी बम्बई में बिता रहे हो, वो रह रहा है आपके बुनाए घर में, वो उधर रह रहा है, यानी उस पर राधा रानी कृपा, वो सेवा कर उधर रह रहा है, यानी जो रहता वो राधा रानी कृपा से ही रहता है। घर बनाने का मतलब नहीं कि आपको ब्रजवास हो गया, कि जिस पे कृपा होगी वही रहेगा, आपने नौकर को रख दिया यानी उस नौकर पे वास्तविक कृपा है, वो ब्रज में रह रहा है, आप नहीं रह रहे हो, आप बॉम्बे में रह रहे हो, अब वो ब्रज में रह रहा है, आपने उसको उसके लिए बनाया है, वो रह रहा है, वो उसका आस्वादन कर रहा है, आप कहाँ कर रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि जिस पे कृपा होती है वही रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता। इससे कभी ये नहीं सोचना कि अपने बल से, अपने प्रयास से, अपने धन से मैं ब्रज में जाऊंगा, कि जब राधा ने कृपा खोएगी तो अपना पहुंचोगे, कैसे भी पहुंचोगे और व्यवस्था भी कर देगी। नहीं तो लोग तो ले लेते हैं, कोठियाँ भी बना लेते हैं, घर भी खरीद लेते हैं, लेकिन रह कहाँ पाते हैं, सारी ज़िंदगी रह नहीं पाते हैं। साफ़ सफाई करने के नौकर रख रहे, वो आके रहता है, सोता खाता पीता जो भी करता है, भाई वो कृपा तो उस पर हुई है, आपने अपने लिए बनाया कि उसके लिए बनाया, वास्तव में उस पर कृपा आपके लिए ऊपर नहीं, क्योंकि आप तो इधर रह रहे हो। बिकॉज दी ग्रेटर अर्थली मथुरा इज नॉट एट वंस परसीव एंड बिकॉज मैनी पीपल हैव नॉट हर्ड अबाउट दी वंडरफुल एक्टिविटीज दी पर्सन कॉल्ड डिस्पेज देयर, क्योंकि लोगों ने कथा नहीं सुनी, उनकी अद्भुत लीला नहीं सुनी है, धाम की महिमा नहीं सुनी है, इसलिए गर्ग संहिता में एक्सटेंशन और जो भागवतम है, मथुरा खंड मथुरा धाम की महिमा, वृंदावन खंड वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन किया गया है। जब इंसान इन ग्रंथों को पढ़ता, कौन से तीर्थ है, कौन से, ऑफकोर्स अभी बहुत से लुप्त हो गए, जैसे एक आता गिरा या पाप मोचन कुंड, आप बोले पाप मोचन कुंड में दिखता नहीं, उधर बस स्टैंड बन गया अभी, और पाप मोचन कुंड को उधर बस स्टैंड बना दिया, वो था पहले, अब उन्होंने बस उसको लुप्त कर दिया, अब क्या करोगे। तो ऐसी कई सी चीज़ें हैं जो ग्रंथों में दिखती हैं लेकिन अब लुप्त हो रही है, या कली का प्रभाव बोलो, या लोगों की अनास्था के कारण हो रहा है, लोगों को श्रद्धा नहीं है। ये तो अगर हम लोगों में श्रद्धा प्रेम होता तो पाप मोचन कुंड को उसको बस स्टैंड बना देते, बोते कुंड है पाप मोचन इधर, तुम कैसे बस स्टैंड बना रहे हो। लेकिन पैसे के लोभ में भगवान में निष्ठा नहीं, कुंड की महिमा नहीं पता, इसलिए चलो बेच दिया, जब बनाओ जो मर्जी करो, वो चीज़ लुप्त हो गई है। ऐसे कई सी स्थान हैं जो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं लेकिन वास्तव में है नहीं, क्योंकि लुप्त हो गए हैं, और कई चीज़ लुप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं कली के प्रभाव से। इसलिए कहते हैं ना, जिस है हमारी आंखों के सामने, अगर हमें को प्रेम चक्षु है, आज आपको ना गलियां दिखाई देंगी ना बिल्डिंग है, आपको गोचारण भूमि दिखाई देगी और आपको राजस्थली दिशा जैसे आपके भाव का वो दिखाई देगा आज भी, क्योंकि हमारे कृष्णदास बाबा जी महाराज, उनके जीवन चरित्र पढ़िए, वो जब गए थे अपने गोकुल महावन में और दाऊजी के मंदिर में, वो तो 3-3 लाख के ऊपर हरिनाम करते थे, बहुत हरिनाम करते थे, वो तो सोते नहीं थे, कृष्ण को सोते ही देखा, इतने भजन नंदी थे, और हरिनाम जो है जीव को सोने भी देता नहीं, ये भी आज मैंने सुना, नींद आती है कोई ना कोई आवाज़ आएगी, सोरे आप उठ जाओगे, वह चल हरिनाम भी कर लेते, संख्या पूरी कराता ही कराता है, कोई ना कोई आपको डिस्टर्ब करेगा, कोई ना कोई आप सो नहीं पाओगे, हरिनाम की कृपा होती है कि आपको सोने देता, आपको उठाता है और आपको हरिनाम करवाता है, करो और देखो कितना उसका ध्यान है, कैसे आपका पालन पोषण करा है और आपसे अपने नाम जपा रहा है। आप चाहते हो सोने के सो नहीं पा रहे हो, किसी घंटी मार ली, किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया, किसी कुछ कर दिया, किसी शोर मचाया, आवाज़ दे दी, फोन आ गया, बहुत अच्छी नींद आई थी, अब नींद में ही टूट गई, चल फिर बैठ के माल कर, संख्या तो पूरी हो रही है
यही तो नाम की महिमा है। कैसे नाम कृपा करता है, यही तो नाम कृपा करता है कि चल तो मेरी सेवा कर, तेरे पर कृपा कर। इसे जब कथा सुनोगे और नाम जप करोगे तभी धाम में जा पाओगे, धाम को अप्रिशिएट करोगे। इसे ना मैं नए लोगों को इसलिए ले जाने के फेयर में, क्योंकि भाई पहले कथा सुनो, जाप करो, हरी नाम करो, साल भर चले कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्योंकि आप जाओगे ना उसका आनंद ही लोगे। या तो गन पढ़े हो आपने तो अलग बात है, तो कहते कृष्ण लीला पढ़ी हो तो आपको पता तो चले कि क्या है कुछ कुछ। अली गर्ग संहिता जरूर पढ़ो, मथुरा खंड, वृंदावन खंड, गोलोकखंड, एटलीस्ट आपको आइडिया मिलता है तब जाके। हमारी आँखों के ऊपर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं, हम भजनानंदी नहीं हैं। जब हम भजनानंदी बन जाएंगे, खो भजन के द्वारा प्रेम उत्पन्न होएगा, तो आपको दिव्य वृंदावन के दर्शन होंगे। तो उस जब केशव बाबी महाराज जब दाऊ जी के मंदिर गए तो वो जैसे ही गेट पर पहुँचे तो वो उनको क्या दिखाई दिया, कृष्ण जी बलराम जी गोचारण के लिए जा रहे हैं। गोचारण अब उधर तो दीवारें हैं, उधर तो कुछ है नहीं, कोई भूमि को खाली दीवारें हैं, लेकिन उनको देखो कृष्ण कह रहे कि मुझे ले चल, अकेले क्यों जा रहे हो, हजारों गौवें जा रही है और दोनों भाई जा रहे कृष्ण बलराम, और वो देख के आप मूर्छित हो गए। तरी उनको वो क्लियर दिखाई दे रहा है गोचारण भूमि, उनको कृष्ण बलराम दिखाई दे रहे हैं, उनको कोई दीवारें नहीं दिखाई दे रही है। तो वही मैं उनके तो अभी शरीर 2000 किस्तों में से छोड़ा उन्होंने, आप अभी अभी समझो 25-30 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, ज़्यादा पुराने नहीं है ये। हमारे गुरुजी के समय उन्होंने भजन किया था, परम गुरुजी के समय भजन किया था, उनके साथ रहे थे, नारायण माजी के साथ मठ में रहते, सीधा महाराज जी के पास सबके साथ रहते, सब भक्तों का संग किया उन्होंने, प्रभुपाद जी के शिष्य थे वो। तो कहने का भाव क्या कि आज भी हम अगर वो दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको दिखेगा। इसलिए मैं कहता भजन करते जाओ, बार बार धाम जाओगे, जो दिख रहा है वो तो उस पर तो पहले आसक्ति पैदा करो और खूब भजन करो हरि नाम को, कभी ना कभी तो धाम की कृपा हो जाएगी, अपनी देवता प्रकाशित कर देगा। और वो हमारे अधीन नहीं है, मैंने बोल दिया तो वो करेगा, उनको जब करना होएगा वो, क्योंकि भगवान धाम से अभिन्न है, धाम और भगवान में अंतर नहीं है। तो उनको जब कृपा होने की वो करेंगे, इससे धाम जाते तो भजन करते हुए जाओ, क्योंकि अपराध ही करना, क्योंकि आप एक्चुअली भगवान के ऊपर चल रहे हो, यानी कौन है, जितने भी भगवान की जो वस्तु सेवा में यूज होती है ना वो सब शेषनाग है, बलराम जी हैं, उनका बिस्तर, उनकी चप्पलें, उनका ताल, उनकी छाता, उनका जो भी छत्तर, हर चीज़ जो होती है सब वो बलराम जी है। तो धाम भी अच्छी बलराम ही है, जिसके ऊपर वो हम उनकी कृपा है कि वो हमको अपने ऊपर ठहरा रहा है, चला रहा है, और हम जो जितने भी 15-20 दिन रहते ब्रिज में, ये केवल और केवल उनकी कृपा राधा रानी की, जो हमको ब्रिज में साल में 15-20 दिन रहने का सोने का सौभाग्य प्रदान करी है। नहीं तो लोग एक दिन में भाग के आ जाते हैं, बहुत होते तो 2 दिन बस जाने, कई लोग जाते हैं बरसाने और इतनी से कौन चढ़ेगा, नीचे से प्रणाम करके चले जाते हैं, वो सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाते, उनकी इच्छा नहीं होती जाने की। इसका मतलब कि दर्शन कानों से, कथा सुनोगे तो हो तो लाभ लोगे। तो हमको बताते हैं ड्राइवर, कहते हैं कि आप तो जाते इतनी बार, हाथे लोग हमारे साथ इधर से देखते बस कर लिए दर्शन, उधर हाथ जोड़ ले जाते क्या करना पर जाके, और चले जाते हैं, नहीं जा पाते। उसके लिए कृपा चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट भक्तों का संग, भक्तों के संग में ही दर्शन होते हैं, भक्तों के सामने कीर्तन होता है, भक्तों के सामने महिमा सुनने को मिलती है, और अपना निजी जाप होना चाहिए, तब जाके धाम का महात्म पता चलता है। और धीरे धीरे होएगा, धीरे धीरे हर चीज़, एक दिन में कुछ नहीं मिलेगा आपको, एक बार में मिलेगा, बार बार जाओगे बार बार तो वो धीरे आस्था से प्रकाशित होगा। कि पहली बार का 5-6 बार जाने का पता चला कि स्थान को मैं भूल भी गया था, ये स्थान कौन सा है बोल रहे हो, मुझे याद ही नहीं आ रहा, ये 5-6 बार जाने का ध्यान में बैठा, अच्छा ये स्थान है, स्थान है, स्थान है, मैं भूल भी जाता था कि कौन सा स्थान है, वो किधर है, जाने कहा ये तो मैं आया हुआ पहले, वो बाद में, वो 5-6 बार जाने के बाद ऐसा समझ में आती बात नहीं आती समझ पहले, ये कृपा ही चाहिए होती है। इसलिए कोई क्या हमने एक बार किया दर्शन किए कुछ नहीं, आपको सिर्फ आइडिया मिला क्या था, बार बार जाओगे तब धाम को समझोगे, साधु संग करोगे, हरि नाम करोगे तब समझोगे, अन्यथा नहीं समझ सकते। और ये नहीं सोचना कि वृंदावन जाना अन्य स्थानों की तरह, ये सबसे अलौकिक अनुभव है। हमारे तुलसीदास जी ने भी ब्रज की महिमा का बहुत गान किया है, और इनके जो रसिक और कहते हैं
कि धन्य है यहाँ के लोग जो राधे राधे, काश हमारे अयोध्या और चित्रकूट में लोग सीता सीता बोलते हैं, लेकिन सब राम राम बोलते हैं, सीता सीता यहाँ पर सब राधे राधे बोलते हैं, जिधर के भक्त ज़्यादा श्रेष्ठ है उधर से। ये तुलसीदास जी के शब्द हैं। एक बार तुलसीदास जी गए थे, खीर भंडारा था, भूख लगी थी, खीर खाने के लिए उनके पास कोई पात्र नहीं था, सब भंडारे बांट रहे थे, तो बोलते खीर दो, कहते पात्र नहीं। उन्हें एक ज्योति ले ली, बोला ज्योति में, कहते बाबा दिमाग खराब हो गया, ज्योति में वो खीर लेता है। कहते हैं क्या बात करो, ब्रज के रसिक भक्तों की ज्योति और ब्रज की रज, इसमें तो खीर खानी चाहिए तभी तो मुझे रज मिलेगी, और तुम कहते हो इसमें खाना चाहिए, कहते इसी में खाना चाहिए। और उनके भाव ऊंचे हैं, हम लोग ऐसा नकल नहीं कर सकते, लेकिन उनके भाव कैसे हैं, ब्रज के रसिक भक्त, उनके चरणों की ज्योति और तो और उनकी रज पड़ी हुई है, प्रेमी भक्तों की रज पड़ी, इसमें खीर डालोगे तो हमको वो रज प्राप्त होगी और हमारा सौभाग्य ऐसे हम खीर का पान करें। ये तुलसीदास जी के भाव है, नहीं बात। हाँ, जो राम भक्त है उनके इस प्रकार के भाव है, तो सोचो ब्रज की श्रेष्ठता कितनी ज़्यादा है। तभी तो उन्होंने नाम मात्रा में यशोदा कृष्ण बलराम का नाम लिया है, आनंद देने वाले हैं, है ना। उन्होंने राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न या कौशिकन में नाम मात्रा में पढ़ लो, कृष्ण बलराम के समान आनंद, जीव रूपी यशोदा के लिए कृष्ण बलराम के समान आनंद देने वाले हैं। In fact, the glories of the earthly Mathura is some way surpassing those of the spiritual planet Golok. तो कहते हैं तो इधर की जो मथुरा की महिमा है वो गोलोक से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। And श्री ब्रिहद भागवत अमृत therefore will discover how गो कुमार आफ्टर रियलाइजिंग द ग्लोरीज ऑफ गोलोक लर्न अबाउट दिस फ्रॉम श्री नारद। तो हम गो कुमार के भी कथा पढ़ेंगे, उनको किस बात की अनुभूति कब हुई कि ये जाकर उसके दर्शन करने के बाद, हाउ गो आफ्टर इज इन द ग्लोरी गोलोक लर्न अबाउट इसके कि ये जो मथुरा मंडल जो है ये भूमि की उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ क्यों है, कि भगवान ने जो यहाँ पे लीला की, जहाँ पे जन्म दिया वो चीज़ वहाँ पे नहीं, क्यों जन्म नहीं लिया वहाँ पे। द ओरिजिनल पर्सन गॉड एस श्री कृष्ण डिस्टेंस टू मथुरा इन दिस वर्ल्ड विद ऑल ब्यूटी एंड अदर एट्रीब्यूट्स टू एग्जिबिट अनप्रेसेंटेबल एक्टिविटी। भगवान इस धरातल पे आते हैं मथुरा मंडल में और क्या कहते हैं सारी सुंदरता और सब बाकी सब चीज़ें लेके आते हैं, और जो बाल लीला करते हैं वो बाल लीला तो किधर सुनने को नहीं मिलेंगे, भगवान ने किधर ऐसी बाल लीला की जैसे ब्रज में की है, खेलना कूदना ब्रज वालों का। देखो भागवत पढ़नी चाहिए, घर संहिता पढ़नी चाहिए, बहुत सी लीला है, आप समझोगे अप्रिशिएट करोगे, नहीं तो हम हर चीज़ को गलत अर्थ में लेते हैं कि कृष्ण ने माखन चोरी की, चोरी की परिभाषा भी नहीं हमें पता, चोरी किसे कहते हैं, जो चीज़ आपके अनजान में ली जाए आगे आप उसे जान ही ना सको उसे चोरी कहते हैं, तो हम तो वो तो आपकी इच्छा से लेते हैं गोपियों की, उनके सामने से ले, वो चोर कैसे होते हैं। तो प्रेम में कोई कुछ बोलता है तो वो उनकी भाषा हमारी भाषा नहीं है, वो तो हमको संबंधी चाहिए, राजशिला का अर्थ क्या होता है, चीरहरण का अर्थ क्या होता है, ये जब तक आप पढ़ोगे नहीं आप कैसे समझोगे। लोग तो बाहर सब गलत अर्थ ही देते हैं, गलत बातें ही करते हैं, क्योंकि किसी ने कोई पढ़ाई नहीं और पढ़ा भी तो समझा नहीं, क्योंकि वैष्णव के अनुगत में चीज समझ आती है, वैष्णव जब समझाते तब चीज समझ आती है। And when the entire universe or the three middle planet system are destroyed, the earthly matter become invisible and merges back into Shri Golok. तो कहते हैं जब त्रिलोक की नष्ट हो जाती है और सबको नाश होता है, the जो अर्थ में जो मथुरा है ये अदृश्य होती है और गोलोक के साथ मर्ज होती है, समा जाती है उसमें। इन अदर मथुरा इज नॉट डिस्ट्रॉयड, उसका नाश नहीं होता, इट रिमेन्स अनचेंज अबाउट द व्हील ऑफ टाइम, ये काल से परे है। बट बिकॉज द लॉर्ड्स पास्ट टाइम्स आर देन नो लॉन्गर परसीव्ड इन मथुरा ऑन अर्थ, क्योंकि भगवान की लीलाएं
ये धरातल पे नहीं दिखाई दे रही है और इट सीम दैट द पर्सन गॉड कंटिन्यूस टू एंजॉय हिमसेल्फ इन दी कॉरस्पॉन्डिंग स्पिरिचुअल याम, तो ऐसा लगता है कि भगवान अपने दिव्य धाम में उस श्रेय का आस्वादन करें गोलोक में, एंड सो सी गोलोक इज कंसिडर्ड द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल एंडेवर। तो गोलोक है वो हाईएस्ट है आध्यात्मिक क्षेत्र में जीव को प्राप्त करने का। श्री नारद में समटाइम्स एस्केप टू मथुरा, नारद जी कई बार मथुरा के बाद कहते हैं अर्थ ग्लोरीज मथुरा नॉट ग्लोरीज इवन ग्रेटर दोज ऑफ गोलोक। कई बार नारद जी जो मथुरा की जो महिमा है गोलोक से भी ज़्यादा श्रेष्ठ वर्णन करते हैं, बट डैट इज नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी, क्योंकि वो विरोधी चीज नहीं है। सिंस द टू प्लेसेज आर इन एसेंस नॉन डिफरेंट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अभिन्न है, वो गोलोक और ये मथुरा जो भूमि है ये अभिन्न है, अलग नहीं है। वट एवर इज सेड अबाउट वन ऑफ देम स्टूडियो, जो इसके बारे में क्या वो इसके बारे में सेम वही महिमा उसकी भी है, तो ये नहीं कह सकते कि ये श्रेष्ठ के वो कम है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब महान ही है। शेख जामनी साहब, जामनी जी क्या बोलते हैं अभी, डिलाइटेड बाय द मोस्ट प्लेजिंग इंक्वायरी फ्रॉम मदर उत्तरा, हर सन परीक्षित बोर डाउन टू हर एंड बिगेन हिज रिप्लाई। अपनी माँ से प्रश्न सुनने के बाद परीक्षित प्रणाम करते हैं और उत्तर देना शुरू करते हैं, और उन्हें ये बहुत ही अच्छा लगा उनका प्रश्न, क्योंकि क्यों जो कृष्ण विषय प्रसन्न हो वही आनंदित होता है। कृष्ण विषय पूछना चाहिए और कृष्ण विषय उत्तर देना चाहिए। बुद्धिमान वही है जो एक भगवान के बारे में पूछे और ये भगवान का उत्तर दे, वही बुद्धिमान है। जो संसार की बातें करते हैं वो हो सकता है संसार की दृष्टि से चतुर हो लेकिन है महामूर्ख, क्योंकि कृष्ण को नहीं जाना, आप ये कुछ नहीं जाना सारे ज्ञान प्राप्त करने के बारे, सबके अड़ोस पड़ोस सबके हिस्से ज्योग्राफी जानने के बाद भी रिश्तेदार दोस्तों के बारे में अड़ोस पड़ोस आप महामूर्ख हो कि कृष्ण को नहीं जाना और अंत में आप ठगे जाओगे। कृष्ण को जान लिया किसी को जानने की जरूरत नहीं है, और कोई वस्तु है नहीं जिसको हम जानने की आवश्यकता है। टीयर्स पोर फ्रॉम हिज एंड हिज बॉडी हियर्स टू डन, उनकी आंखों में आंसू आए और बाल खड़े हो गए। परीक्षित विल बिगिन हिज रिप्लाई बाय कॉम्प्लीमेंटिंग हिज मदर फॉर हर एक्सलेंट क्वेश्चन, परीक्षित जवाब देंगे अपनी माता के प्रश्न की प्रशंसा करते हुए, बाई ऑफरिंग रिस्पेक्ट टू हिज वर्शिप लॉर्ड, भगवान का प्रणाम करते हुए उनकी पूजा करते हुए। श्री परीक्षित से माई डियर मदर फॉर यू हु लिव ओनली फॉर श्री कृष्णा, परीक्षित मेरी प्रिय माता तो जो रहती है केवल कृष्ण के लिए रह रही है, सेपरेशन फ्रॉम इज इनटॉलरेंट, उनसे विरह होना असहनीय होता हो गया। दिस क्वेश्चन ऑफ योर इज मोस्ट प्रेजवर्दी, ये जो तूने प्रश्न किया ये प्रशंसनीय है, नो वन एवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिफोर, इस प्रकार का प्रश्न किसी ने पूछा भी नहीं कि वैकुंठ के ऊपर भी कोई है कृष्ण के भक्तों के लिए। अगर कृष्ण के भक्त नंदा यशोदा ने गोपियाँ भी अगर वैकुंठ जाएंगे तो अन्य लोग जो वैकुंठ में क्या बड़ी बात है, तो मुझे अच्छा लगता कुछ होना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न किसी ने कभी किए नहीं है। कमेंट्री, परीक्षित विशेष तो इनकरेज हिज मदर सो दैट हर माइंड विल इजली फोकस ऑन वट ही इज अबाउट टू से, तो वो उसकी माँ को उत्साहित करते हैं ताकि वो ध्यान दे वो क्या बोलने वाले। ही कॉल्स हर श्री कृष्ण जीवित, विच मीन्स आइदर वन हु लिव्स ओनली फॉर श्री कृष्ण और आवर होम श्री कृष्ण ब्रॉट बैक टू लाइफ। इसके दो अर्थ है, कृष्ण जीवित यानी कृष्ण ने उसको जीवित क्योंकि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मर चुकी थी उसको जीवित किया, या तो एक यह अर्थ होता है, या दूसरा अर्थ है जो कृष्ण के लिए जी रहा है। रियल जीना तो उसका जो कृष्ण के लिए जी रहा है, जो आपके सुख भोगों के लिए जी रहा है वो तो मुर्दा ही है, इसके बाद सांस ले रहा है चलता फिरता मुर्दा दिखा दे रहा है, वो जी नहीं रहा, जी वो रहा है जो कृष्ण के लिए जी रहा है, उसका चिंतन करता है, उसका स्मरण करता है, उसका गुणगान करता है, उनके नाम कीर्तन, उसी का वास्तव में जीना कहा गया, बाकी सब मुर्दे ही है। और जो पाप कर्म है वो जीते मुर्दे के समान है। उत्तरा इज नोन फॉर हैविंग सफर्ड,
greatly in separation from Krishna. Uttara बहुत ज़्यादा पीड़ित हुई थी जब कृष्ण से उसका विरह हुआ. सुर गोस्वामी जिसके इन द फर्स्ट कैंटो और श्रीमद् भागवतम सुर गोस्वामी क्या वर्णन करते हैं भागवत के अंदर. सुभद्रा द्रौपदी कुंती उत्तरा एंड गंधारी एंड धृतराष्ट्र युत्सु कृपाचार्य एंड नकुल एंड सहदेव एंड भीष्मदेव एंड एंड धौम्य एंड लेडीज सच एज डॉटर्स ऑफ मत्स्या और नियरली फेंटेड. यानी जितने भी नाम मैंने पढ़े सुभद्रा द्रौपदी कुंती उत्तरा गंधारी धृतराष्ट्र युत्सु कृपाचार्य नकुल सहदेव भीष्मदेव धौम्य और जितनी स्त्रियाँ थी और बेटियाँ थी मत्स्य की मत्स्य राज की ऑल नियरली फेंटेड बिकॉज इट इम्पॉसिबल फॉर देम टू बी एस सेपरेशन फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा. क्योंकि उनके लिए कृष्णा का वियोग सहना असहनीय हो गया. हम कृष्णा के वियोग को नहीं सह सकते. यानी प्रेम की अवस्था में इंसान को ऐसा होता है. अगर हमें फर्क नहीं पड़ता है कि हम धाम गए नहीं गए क्या फर्क पड़ता है और आके मन चिंतन नहीं कर रहा है दुखी नहीं हो रहा है इसका मतलब कि मुझे धाम में कोई अभी प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ. अगर प्रेम उत्पन्न होता है तो इंसान बार बार चिंतन करता है बार बार प्रयास करता है दुखी होता है चिंतन करता है. शरीर से जा सके क्योंकि मन से तो एक बार जरूर जाता ही है. चिंतन करते हुए बस वही जाना उसका रियल जाना है. किंग विराट द फादर ऑफ उत्तरा वॉज अडॉप्टेड अलॉन्ग विद हिज सिस्टर सत्यवती बाय अ फिशरमैन मत्स्य. मतलब क्या है जो विराट राजा है जो उत्तरा के पिता है उनको अडॉप्ट किया था किसने अपनी बहन के समय सत्यवती को बाय फिशर मत्स्य राज ने उसको अपना पुत्र पुत्री माना था. सिंह विराट वॉज ऑल्सो कॉल्ड मत्स्य द नेम मत्स्य सो डॉटर ऑफ फिशरमैन. क्योंकि विराट को मत्स्य भी क्योंकि उसका पालन पोषण मत्स्य ने किया था फिशरमैन ने तो इसलिए वह मत्स्य सोता है. कैन इंडिकेट आइदर सत्यवती और अनिश उत्तरा. इफ यू टेक द सेकेंड ऑफ दिस अल्टरनेटिव उत्तरा इज मेंशन ट्वाइस इन दिस टू वर्स इंडिकेटिंग दैट शी हैंकर फॉर कृष्ण सेपरेशन यू मोर इंटेंसली देन दी अदर. अगर ये दूसरा अर्थ आ जाए तो यहाँ पर उत्तरा के विषय में आता है वो कृष्ण के ज़्यादा तड़पती थी अन्य के मुकाबले. Therefore, it is quite appropriate for her to ask so confidentially about Krishna devotion. से इससे वो भगवान की गोपनीय जो है भक्ति के विषय में पूछ रही है. The only relevant question is your जो प्रश्न है वो आपका ही उचित है. Few others would have had the proper devotion attitude to ask such a question. क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता था कि क्या प्रश्न करने चाहिए किस प्रकार के. ये बुद्धि भी साधु संग करने से प्राप्त होती है भजन करने से प्राप्त होती है. क्योंकि भजन करने से कृष्ण सद्बुद्धि देते हैं और फिर तब हमारे अंदर क्वेश्चन भी अच्छे निकलते हैं. क्योंकि कृष्ण हमें जनाना चाहते हैं ना इसलिए वो हमारे मन में ये क्वेश्चन आते हैं और सामने जो सही संत होते हैं वो उसका सही उत्तर दे पाते हैं. तो ये भगवान अपने आप को जानते हैं ये प्रश्न डाल के उसका समाधान करा के. इसलिए जीव को हमेशा भजन करना चाहिए ताकि उसको सद्बुद्धि रहे. अगर भजन छोड़ेगा तो माया बुद्धि हरण करेगी और वो उस मूर्खताएं वाले काम करेगा. यही वजह लोग बेवकूफिया करते हैं. कृष्णा हिमसेल्फ ग्रांटेड मी दी फॉर्चून प्रिविलेज टू बी बॉर्न फ्रॉम योर वूम एज अ ग्रैंडसन ऑफ हिज डियर फ्रेंड अर्जुन. कहते हैं कृष्णा ने मुझे सौभाग्य दिया कि आपके गर्भ से पैदा होना उनका पोता बनके ऑफ हिज डियर फ्रेंड अर्जुन का पोता बनके डी हस्बैंड ऑफ श्री सुभद्रा. सुभद्रा के जो पति हैं अर्जुन की पत्नी सुभद्रा वो कृष्ण की बहन होती है. हम जगन्नाथ जी सुभद्रा के दर्शन करते हैं. आपको शायद मालूम रहेगा हमारे जगन्नाथपुरी मठ में सुभद्रा का प्रकट है कैसे हुआ. जब नीम का पेड़ लाया गया और उससे विग्रह बनाए थे जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव उस पेड़ में से अपने आप सुभद्रा प्रकट हुई है. किसी का बनाया भी नहीं है अपने मठ के अंदर जो है वो स्वयंभू है. वो पेड़ ऐसे पटा उस पर से सुभद्रा प्रकट हुई
तब पुरी महाराज ने जो प्रतिष्ठा की थी दौर में वही करते रहे, उन्हें कहा इसको एज इट इज स्थापित कर दो, ये स्वयं प्रकट हुई है, इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और ये उसको योग माया भी कहते हैं, कृष्ण की बहन भी लगती हैं और कृष्ण से मिलाती भी है जीव को। तो सबसे पहले जब रथ पे आगे कौन जाते हैं, बलदेव जी जाते हैं, क्यों, गुरु आगे जाता है भाई जीव को संदेशा देने के लिए। फिर पीछे बात जाती है सुबह योग माया भगवान से मिलाने का प्रयास, योग माया मिलाने, फिर बाद में कृष्ण, जो जीव गुरु तैयार करता है योग माया उससे मिलाती है और फिर भगवान जाते तब उसका मिलन होता है। तो ये क्रम से चलती रथ यात्रा, ये नहीं कि किसी को भी आगे कर दो, नहीं, हमेशा दाऊजी आगे होंगे, पहले बलराम जी, गुरु आगे होगा, गुरु जीव को तैयार करेगा कथा के द्वारा, भजन के द्वारा, और फिर योग माया जाएगी, अब तू तैयार हो गया गुरु के, अब मैं तुझे कृष्ण से मिलाती हूँ, वो कृष्ण को अरेंज करती आने के लिए और जीव को तैयार कर दी, चाहे तुम मिल, और फिर जब कृष्ण जाते हैं और वो उनका मिलन कराती है। तो ये सुभद्रा के विषय में बता रहा था। कमेंट्री, परीक्षा रियलाइजेज दैट ओनली बाय द स्पेशल मर्सी ऑफ श्री कृष्णा विल बी एबल टू आंसर हिज मदर क्वेश्चन। तो कहते हैं कृष्ण की कृपा से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली ही ऑफर्स हिज होमेज टू कृष्णा, और एक कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो कहते हैं परीक्षित वॉज बॉर्न इन द लैंड ऑफ भारतवर्ष इन इज मोस्ट पाइस सेंट्रल रीजन इन द ह्यूमन स्पीशीज इन द डायनेस्टी ऑफ ग्रेट क्षत्रिय। परीक्षित का जन्म हुआ था मध्य भारत में और क्षत्रिय वंश भी होता है। एंड फ्रॉम द वूम उत्तरा एज द ग्रैंड सन ऑफ क्रिस्टोफर अर्जुन, अर्जुन के पोते बन के आए थे जो कृष्ण के सखा हैं। इस बर्थ वॉज सत ऑस्पिशियस यानी मंगल का था बिकॉज इट वॉज कनेक्टेड विद कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण जुड़े, कृष्ण जब उन्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ा उसका वध करने के लिए कृष्ण जी ने ये अंगूठे का ऊपर कैसा इतना इतना छोटा रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में गए और उसको ब्रह्मास्त्र को पान कर गए। भागवत के प्रथम स्कंध में आती है उसका पान कर गए इतने छोटे रूप में, यहाँ से जो यहाँ होता बस इतना। और सबसे पहले परीक्षित को दर्शन हुए तो अंदर ही हुए थे भगवान कृष्ण के माँ के गर्भ में। माने बहन अंतर्धान हो गए, धरातल से चले गए तो भार आयतन का नाम रखा विश्वराज, और ये ढूंढते थे जिसको मैंने गर्भ में देखा वो किधर है, क्योंकि वो ढूंढते थे सब में परीक्षा लेते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। उनका नाम अक्षय विश्वराज लेकिन नाम पड़ा क्योंकि वो ढूंढते थे वो किधर है। एंड परीक्षित ज्ञान मदा व सुभद्रा, तो उनकी दादी कौन थी, सुभद्रा थी, कृष्ण सिस्टर बट नॉट एनी ऑफ अदर अर्जुन वाइफ, अर्जुन की कोई दूसरे पत्ते में थी यानी सुभद्रा तो इसके के के पोते थे, समझो कितने महान है जो कृष्ण की सगी बहन है, योग माया है। तो प्रोटेक्ट बोथ मी एंड यू फ्रॉम दिस ब्रह्मास्त्र वेपन, कृष्ण अपीयर्ड विद इन द वूम होल्डिंग ए डिस्क एंड क्लब। हमें बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र से कृष्ण गर्भ में आए थे सुदर्शन चक्र और मुसल लेके। इन माय चाइल्डहुड ही लेट मी इन टू सर्च कॉन्स्टेंटली अमंग मैन फॉर हिज ओन फॉर्म, बचपन में ढूंढता रहा उनको कि कहाँ पे वो रूप कहाँ है जो कृष्ण मैंने गर्भ में देखा। अ मेडिटेशन वर्दी ऑफ द मोस्ट एग्जॉल्टेड वैष्णव, जो श्रेष्ठ वैष्णव उसी रूप का चिंतन करते हैं। कमेंट्री, व्हेन लॉर्ड कृष्णा एंटर द वूम उत्तरा तो प्रोटेक्ट हर चाइल्ड, जब कृष्ण जी गर्भ में गए तो उत्तरा के उसकी रक्षा करने के लिए परीक्षित की, ही अज्यूम्ड हिज फोर आर्म फॉर्म एंड यूज बोथ हिज डिस्क एंड हिज क्लब टू डिस्पेल द ब्रह्मास्त्र। प्रभु ने चतुर्भुजी रूप लिया और क्या क्या अपने सुदर्शन चक्र और मुसल का प्रयोग किया तो ब्रह्मास्त्र को नाश करने के लिए। दिस पास्टर डिस्कन द फर्स्ट कैंटो भागवतम, ये भागवत पे लिखा पहले स्कंद में। विथ फोर लॉन्ग ब्यूटिफुल आर्म्स इयरिंग्स ऑफ फियरी गोल्ड, चार लंबी भुजाएं और कानों में कुंडल सोने के चमकते हुए,
eyes blood red with fury, aankhe lal puri krodh karan, and his club constantly encircled him. Aur unka jo musal tha, club jise kehte musal, jo chakkar lagaya tha bar bar like a shooting star, the lot world about the child. To usne bacche ke aage piche ghoomte rahe. Because my mother sundered unto Lord Krishna's lotus feet, the Lord Sudarshan Chakra in hand entered Havam. Kyunki maa ne apne aap ko sharanagat kiya Krishna ke charnon mein, to Subhadra Chakra haath mein, the Lord Sudarshan Chakra in hand, Bhagwan ne Sudarshan Chakra haath mein liya, entered Havam, uske garb mein gaye, and saved my body, aur mere shareer ki raksha ki, the body of the last imitation of the Kurus. जो कुरुवंशी में जो आखिर का था मैं मेरी रक्षा की एंड द पांडवास आ पांडवों के वंश की रक्षा की विच आर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड बाय द फियरी वेपन ऑफ अश्वत्थामा और जो कि अश्वत्थामा से नष्ट हो गया था द साइट ऑफ द लॉर्ड ब्यूटीफुल फॉर्म विद इन इज मदर्स वूम ग्रेटली इम्प्रेस द अनबॉर्न परीक्षित तो भगवान के जो दर्शन उसने किए थे माँ के घर में उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं The Lord was only thumb high, इतना ही उनकी ऊंचाई थी But he was all transcendental, he had a beautiful black and infallible body. और वो चिन्मय थे उनका शरीर जो था बहुत सुंदर था श्याम रंग का था और उनकी बॉडी जो अभेद्य थी And he wore a dress of lightning yellow and helmet of blazing gold. और उन्होंने पीत वस्त्र जो चमकते हुए बिजली चमकती वैस कलर के कपड़े और जो सर मुकुट था वो सोने का था The Lord was indrit with four hands, उनके चार हाथ थे and with earrings of molten gold, और कानों में सोने कुंडल थे Thus he was seen by the child, इस प्रकार बच्चे ने उस रूप के दर्शन किए थे All through his childhood, Parikshit tried to find the same Lord he had seen in him, उन्हें सारे बचपन में यही प्रयास करते रहे उस प्रभु के दर्शन करो जो मैंने गर्भ में देखे हैं Whenever he saw a similar looking person, he would ask himself, उसी प्रकार को लोग दिखते थे तो पूछते थे इज द सेम वन क्या वही हो Bhagavatam described the origin of his name. He would become famous in the world as Parikshit, yani examiner, yani jo pariksha lete hain, because he would come to examine all human beings. Kyunki wo har bande ki pariksha lete rahe in his search for that personality. Us Prabhu ke darshan karna chahte the, whom he saw before he was just as darshan kiye the garb ke andar. Thus he would come to constantly contemplate the Lord. इस प्रकार वह भगवान का चिंतन करते रहे इंडस्ट्री इवन इन हिज अर्ली चाइल्ड परीक्षित और वे मेडिटेटेड ऑन द ऑल अट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ श्री कृष्ण यानी बचपन से भगवान के रूप का चिंतन करते थे और वे ढूंढते क्योंकि वह देख चुके थे घर के अंदर वो इतना सुंदर था उसी का चिंतन करे इसलिए तो वो सर्वश्रेष्ठ इसलिए तो वो भागवत सुनने के अधिकारी हो तभी तो सुखदेव उनके पास है जब प्रेम करते हो भगवान पे तो आपको संतों के पास संत स्वयं चल के आपके पास आते और वो भी सर्वश्रेष्ठ संत आते हैं हम लोग गुरु जी को ढूंढने कलकत्ता नहीं गए मायापुर नहीं गए वृंदावन नहीं गए गुरु जी बॉम्बे में और हमको हरी नाम दिया एक बार याद रखना इसमें हमारा कोई साधन नहीं है साधन होता हम जाते लेने कृपा पक्ष है वो आए और हमको दे यह है कृपा पक्ष हाँ But when I was endowed with the qualities of great, but by him I was endowed with the qualities of great saints. कहते हैं उनके कृपा से मेरे अंदर संतों के गुण आए इसलिए तो जो लोग हरिनाम करते हैं हरिकथा सुनते हैं कथा और नाम भगवान से अभिन्न है तो जितना भजन करोगे उतने प्रभु आएंगे तो प्रभु के साथ सद्गुण भी तो आएंगे बगैर प्रभु के सद्गुण नहीं आ सकते जितना समय हरिनाम करते हो कथा सुनते हो तो प्रभु आते हैं समझो आपके 6-7 घंटे तो रहे आपके पास नाम और कथा के रूप में तो उतने समय तो आपके अंदर सद्गुण भी तो प्रवेश करेंगे एंड मेड फेमस फॉर सबडिंग कली और मुझे प्रतिष्ठा बढ़ाई कि मैं कलयुग का दमन कर चुका क्योंकि कलयुग जो था धर्म जो था बैल के रूप में था उसके 3 चरण कट चुके थे चौथे को काट रहा था और वो बहुत दुखी था धर्म और रो रहा था तो परीक्षा से बर्दाश्त नहीं हुआ वो कली का वध करने लगे कि मेरे राज्य में तू धर्म का नाश कर रहा है बैल का नाश कर रहा है
तो कली उनके पैर पड़ के मैं रक्षा करो, कहते क्यों रक्षा करो, कहते मेरे बहुत से दोष हैं लेकिन एक गुण है कि जो अन्य युगों में यज्ञ योग और मंदिर पूजा से वही कलयुग में केवल नाम कीर्तन से होता है, लोग बड़ी आसानी से मुझे प्राप्त हो, इसलिए मुझे जीवित रखो। यही गुण के कारण उन्होंने जीवित रखा। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तो सबसे हरि नाम के सब मुक्त होंगे। कलयुग ने सोचा मैं जब नाम करने दूंगा तब तो नाम करने दूंगा तब कोई नाम करना शुरू करता है लोग खड़े, तुम नाम बराबर नहीं करो, ये ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, इतनी ज़्यादा माला नहीं करनी, कम करो, ये करो, किस प्रकार नाम छुड़ाए, कथा भी नहीं जाना, उधर नहीं जाना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। हर बंदा यही प्रयास कराए कि कोई कथा ना होए, हरि नाम ना होए। जीव सब जगह जा सकता है लेकिन कथा में आए तो 50 लोग खड़े हो जाएंगे उद्देश्य समझाने के लिए, नहीं उधर नहीं जानती, अभी नहीं, कोरोना चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बाकी सब जगह जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कथा में जाओ तो सब खड़े हो जाते हैं। सारी बीमारी कथाओं मंदिरों में से आती है, बाकी किधर से कोई बीमारी नहीं आती। जब भी कथा पे जाना होगा, मंदिर में पूजा पाठ कर, सब प्रॉब्लम आ जाएंगे खड़े, सब हमको उपदेश देंगे, सब हमें लगता है शुभ चिंतक। मुझे हमेशा रामायण की याद आती, कलयुग भिन्न बिंदु धारण करके हमारे सामने सभी राक्षस मन माना रूप धारण करते हैं, जिस प्रकार धर्म वही करते हैं, तो मुझे ये दिखाई देता है कलयुग इस रूप में धर्म को रोकने के लिए। मुझे रामायण मुझे बचाती है, मैं कह रहा हूँ राम के मनस को बचा, ये लाइनें मुझे बचाती, बुराई भिन्न भिन्न रूप धारण करके आती है और मुझे रोक रही है, और मैंने उनकी बातें मान ली तो कलयुग जीत गया और अधर्म हार गया, और मैंने नहीं मानी तो धर्म की विजय होती है। अगर मृत्यु होनी तो कोई भी रूप में होगी, अगर भगवान ने जिसको बचाना है उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसको उसने मारना है घर बैठ के भी उसकी मृत्यु हो जाएगी। हमको भगवान पर निष्ठा नहीं, अपनी बुद्धि पर भरोसा है, हम उसके आगे शरणागत नहीं है, प्रॉब्लम्स हमारी ये हैं, और सब हमारे कहने वाले शुभ चिंतक सलाहकार जो करीबी वही रोकते हैं और मानसिक तौर से खेलते हैं कि ये विचलित हो, भजन ना करे, कथा ना हो, इससे बढ़कर क्या हो सकता है, देख लो कली का प्रभाव। इसलिए मैं कहता हूँ मैं मानस का बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ, जो मुझे हर स्थान पे मुझे बुद्धि देता है कि क्या करना है क्या नहीं, मेरे आँखों के पास प्रकाशित होता है और मुझे बचाता है ये विचलित होने से। पाप ही ऑफकोर्स ज़्यादा है कलयुग के अंदर, पाप ही अधिक है, धर्म तो बहुत ही कम है, तो नष्ट होता ही जा रहा है, क्योंकि विचित करने वाले बहुत मिलेंगे, रोकने वाले सब मिलेंगे, उत्साह बढ़ाने वाले, आप माला को बराबर नहीं करते, सेवा नहीं करते, माले करते, कुछ काम नहीं करते, बेकार हो। सबसे श्रेष्ठ कर्म आप हरि नाम करो, इससे श्रेष्ठ कर्म त्रिलोकी में नहीं है, इस त्रिलोकी के अंदर इससे श्रेष्ठ काम नहीं हो सकता कि हरि नाम से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई काम, और सब ये कहते उससे बाल से कुछ नहीं होता, ये करो वो करो वो सब करो लेकिन हरि नाम न करो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जो सर्वश्रेष्ठ काम है सबसे उसका हम निम्न मानते हैं, सबसे हम कहते हैं वो बेकार इंसान है, कुछ काम नहीं करता, कुछ सेवा नहीं करता, वो भूल जाते ये सर्वश्रेष्ठ काम करा है। जब गुरु माला देते हैं मकी राधा कृष्ण आपको हाथ में दिया, अब इसको सेवा करके प्रकाशित करना है, माला पे हरिनाम करना ही माला की राधा कृष्ण की सेवा है, सेवा करते करते प्रेम होएगा तो राधा कृष्ण भी प्रकाशित हो जाएंगे। गुरु कहते हैं कि मैं तो राधा कृष्ण हाथ में दे दिया, अब प्रकाशित करना तेरे हाथ में है, कि जब तू प्रकाशित कर सकता है कैसे कर सकता है, तेरे हाथ में है, जितना तू नाम जप करेगा उतनी आसानी से प्रकाशित होंगे, नहीं करेगा तो लेट होंगे, नहीं होंगे और क्या करें। और हर बना माला जी कबड़ में सुरक्षित रखी है, माला गुम जाएगी, वाह, माला संभाल कर रखी, पर्स नहीं गुमता, मोबाइल नहीं गुमता, लेकिन माला गुमती है। लोग के अंदर कपट है, उन्होंने भजन करना नहीं, माला कैसे घूमती है, अगर आपके गले में लटकी है तो वो घूम नहीं सकती, या तो हाथ में रहेगी नहीं तो गले में लटकेगी, और कहेगा तो गले से माला कोई चोरी भी नहीं करेगा, माला कोई चोरी नहीं करेगा, सोने की हो तो कोई चोरी करे, ये तुलसी लकड़ी को कोई भी चोरी नहीं करेगा, उल्टा यमदूत डर के भाग जाएंगे इसको तुलसी को देख के, साधारण चोर तो छोड़ो यमदूत देख के भाग जाएंगे चोर कि ये तुलसी को देख के, तो या तो गले में लटके होगे या तो हाथ में, तो उस पर घूमने की बात ही क्या है। और जीव को भजन करने में शर्म आती है, माला पकड़ने शर्म आती है, वो क्या भगवान से प्रेम करेगा, वो क्या प्रेम, वो तो प्रेम के लायक ही नहीं है, कृपा के लायक ही नहीं है, प्रेम तो दूर की बात नहीं है।
इसका मतलब वो साधु संघ कमजोर है, उसकी साधना कमजोर है, तभी उसको शर्म आती है हरि नाम करने में या माला लटकाने में या माला पकड़ने में कि लोग क्या लोग हमको क्या लोग कौन होते कहने वाले, क्या वो हमको रोटी खिला रहे हैं, वो हमको सलाह देने वाले को, वह मेरे वो दोस्तों की सलाह मेरा भोजन नहीं है, समझे ना। हाँ कि वो मुझे क्या सलाह दे रहे हैं। जो मुझे कृष्ण से विमुख करे मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, जो कृष्ण के पास जाने में सहायता करेगा वही हमारे सच्चे मित्र हैं, बाकी सारे शत्रु हैं। देखने में मित्र से ऐसे लगते हैं जो हमें कृष्ण विमुख करता है, भजन छुड़ाता है और हमें इतने व्यस्त कर देता है हर काम में, ये काम कर, ये सेवा कर, वो सेवा कर, कथा के लिए समय देता, नाम जप के लिए, ये सारे के सारे हमारे शत्रु हैं, एक भी हमारा मित्र नहीं है जो हमको समय ना दे हरि नाम और हरि कथा के लिए। ये कुसंग है, इन कुसंग दुष्टों का संग त्याग दो, उन्हीं का संग करो जो हेल्प करते हैं भजन में, सहायता करते हैं आगे बढ़ने में, ना कि जो हमसे विमुख करते हैं, छुड़ाते हैं, और ना कि जो हमें रोकते हैं। दिखते हैं हमारे शुभ चिंतक, शुभ चिंतक कौन नहीं होता, शुभ चिंतक केवल कृष्ण हमारे, ये दूसरा कोई नहीं है, वही हमारे दुख को हरण करते हैं, वो सब दिखाते हैं, वक्त आने में सब भाग जाते हैं, कोई खड़ा नहीं होता आपके पास, तब कृष्ण ही आपके दुख को हरण करते हैं। क्योंकि वो पहले जिसको हमने लोगों की बात सुन के, रिश्तेदार दोस्तों की बात सुन के जो भजन छोड़ा, जब भजन का, वो कृष्ण ही दुख को हरण करते हैं, लोग नहीं हरण करते हमारे दुखों को। तो हमारे शुभ चिंतक, हमारे गुरु वर्ग है, जो संत है, जो भगवान की सहायता करते हैं या भगवान है, उसके अलावा कोई हमारा शुभ चिंतक नहीं है। तो कहते हैं ना कि हम हरि नाम तो नया जन्म, क्योंकि वेद शास्त्र है ये पिता के समान है और गुरु है माता के समान, इसलिए हमारा जब गुरु हमें कथा समझाता है तो हमारा नया जन्म होता है, माता पिता हमें मिलते हैं। वेद शास्त्र जो है ग्रंथ है ये पिता है और गुरु माता है, वो हमें समझा के हमें नया जन्म देता है, भजन की ओर लगाता है, ये हमारे माता पिता। ये एक्चुअली शरीर के माता पिता ठीक है, वो कुछ हद तक हेल्प करते हैं, लेकिन वो भी क्या सिखाते, किस पर पेट भरे, पर मात की शिक्षा वो भी नहीं सिखाते, उत्तरकांड की लाइन है, किस प्रकार पेट भरे यही शिक्षा देते हैं सब लोग, परमार्थ की शिक्षा कोई नहीं देता। वही शुभ चिंतक जो परमार्थ की शिक्षा प्रभु से मिलाए, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग से मुक्त रहे, वही हमारा रियल शुभ चिंतक होता है। सुमित्रा जैसे कितनी होंगी, तुम केवल प्रभु के सेवा करना, प्रसन्न करना, मेरा यही उपदेश है, कुछ और करना नहीं। सुमित्रा जैसा उपदेश सुनी थी, ध्रुव को जैसा उपदेश दिया, कितनी माता ऐसा उपदेश देती है, हार्डली कम माताएं होती है जिनके मन में ये होते कि मेरे बच्चे का मंगल हो, और बच्चे का मंगल प्रभु से ही है। एक माँ जो अपने बच्चे को अंडा खिलाती है, दिखाती मुझसे प्यार करते, उसके नरक का द्वार खोले, उसको नरक में ढकेल रही है, वो सबसे बड़ी उसकी शत्रु है, दिखा रहा है कि उसे प्रेम करती है, सबसे बड़ी शत्रु उसको नरक में डाल रही है। तो by faithfully following him I gained wonderful royal opulences, उनको अनुसार चलने से मुझे बहुत सा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। Then through a Brahman's curse he made me renounce everything, यह जो श्राप मिला वो भी भगवान की इच्छा थी कि मैं सब कुछ त्यागो और भागवत सुनो, और भागवत को संसार में प्रकाशित करना था, इसलिए भगवान ने परीक्षित का भी एंड करना था और दिखाना था कि भक्त की मृत्यु कितनी धन्यवाद हो, धन भाग्यशाली होती है, अच्छी होती है, मंगलकारी होती है। भगवान की कथा सुन के वो निकल गए। तक्षक ने बाद में डसा, उन्होंने पहले शरीर छोड़ दिया था, तक्षक ने तो मुर्दे को डसा, उनका भय से भय मुक्त हो गए। तो भगवान ये ऐश्वर्य देते हैं और वही छीनते भी हैं। ये मैं भी रहा हूँ, सबको मैं छुड़ा दिया, तो इसलिए कभी चीज़ें मिलती हैं संसार में, कभी भगवान छीनते हैं, छीनने के पीछे वैराग्य उत्पन्न करना होता है। अगर छीनेंगे नहीं तो कोई भजन में आएगा नहीं, कथा सुनेगा नहीं, किसी के पास टाइम नहीं होता, सब व्यस्त होते हैं। भगवान कहते कोई बात नहीं, मैं तेरे समय निकालता हूँ, सब कुछ तेरा छीनता हूँ, धन भी छीनता हूँ, रिश्तेदारों भी छीनता हूँ, दोस्त भी छीनता हूँ, सब कुछ छीनता हूँ, तब तो तुम मेरे पास लाचार होकर मेरे पास आना ही पड़ेगा,
ये भगवान की विशेष कृपा होती है और फिर प्रदान करते हैं। तो मिलना जाना ये भाग्य के अनुसार है, इसलिए मिल गया तो बहुत खुश मत हो, कोई चीज़ स्थायी नहीं संसार में, और चले गए तो बहुत दुखी होने क्यों नहीं, क्योंकि ये आना जाना लगा रहेगा। आज आया कल गया तो परसों आएगा, ये चलता रहेगा। भाग्य लास्ट में ये होना चाहिए कि मैं भगवान का भजन करते हुए शरीर छोड़ो, उसका चिंतन कर शरीर छोड़ो प्रेम की अवस्था में, और भगवत धाम चाहिए, ये हमारे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो कमेंट्री, श्री कृष्णा ब्लेसिंग्स परीक्षित हैड मैनी सेंटली क्वालिटीज लाइक सेल्फलेस केयर फॉर द पीपल, यानी कृष्णा की तरह परीक्षण बहुत से सद्गुण थे कि लोगों की का ध्यान करना बगैर कुछ चाहे। हम लोग कुछ करते हैं तो उसके पीछे हमारा स्वार्थ, मुझे क्या मिलेगा, उससे फ़ायदा उठाना, आगे चल के मैं उसे ये काम कराऊँगा, हमारा स्वार्थ होता है। स्वार्थ रहित करने वाले या ईश्वर होते हैं, या उनके सच्चे भक्त जैसे परीक्षित है, या उस कोटि के संत महात्मा होते हैं। हमारे जितने गुरु भक्त थे, स्वतः ही थे, हमारे गुरु जी थे, हमारे परम गुरु जी थे, भक्ति प्रवणपुरी महाराज जी थे, श्रीधर महाराज जी थे, बण महाराज, सारे सारे स्वार्थ रहित थे, उनका क्या स्वार्थ है, समझे ना। तो रिस्पेक्ट फॉर ब्राह्मणिकल अथॉरिटी, यानी जो ब्राह्मण के गुणों की इज्जत करना, जिनके अंदर गुण है उसी के अंदर ब्राह्मणिकल गुण आते हैं जो भगवान का भक्त बनता है। सद्गुण इसी के अंदर आएंगे, अगर आप भजन नहीं करोगे तो आप शूद्र वाले गुण आएंगे, मांस खाओगे, शराब पियोगे, पाप कम करोगे, और नहाना धोने का भी कोई ठिकाना नहीं है, कई लोग तो नहाते भी नहीं है, वो संध्या क्या करेंगे, तो संध्या तिलक नहाना पड़ता है, सब के लोग करते नहीं, लोग 12 बजे 1 बजे सो के उठेंगे, क्या वो संध्या करेंगे, संध्या का समय होता है शेर का, और नाइट ड्यूटी है तो बात अलग है, नाइट ड्यूटी ना के फालतू में संसार में उलझे रहना और फिर संध्या नहीं, ये सब दोष है। और जो कई छुट्टियाँ तो छुट्टियाँ ना नहाते भी नहीं, दुर्भाग्य तो ही है, ये कैसा जीवन है उनका, माला करने की चिंता ही नहीं उनको कि मैंने माला भी करनी है, और झूठ बोल देंगे हम करते हैं, हम खूब करते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। अगर जिसका भजन अच्छा चल रहा है उसके बात करने का तरीका, उसका व्यवहार करने का तरीका एकदम अलग होता है, उसके बात से, उसके विचारों से, व्यवहार से पता चलता है ये भजन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ग्रंथ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहा है, इससे पता चल जाता है कि वो सही है कि झूठ बोल रहा है। एस्टिक एडहेरेंस टू ए प्रॉमिस, और जो उन्हें मुंह से कहा उसको करके दिखाना। हम तो बोल कर मुकर जाते हैं, भूल जाते हैं, सब बातें करते हैं बड़ी बड़ी फिर भूल जाते हैं, हमने बोलते हैं हाँ कर, मैं ना का बोला करो, करो ना, करूँगा करो नहीं, करो या ना करो, चीट मत करो किसी को। लोग क्या होते थे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करना, हाँ करेंगे करना, किसी ने कुछ नहीं होता, जैसे किसी पर भरोसा नहीं, या तो करो या ना करो, क्लियर रहो, किसी को धोखा मत दो, धोखा दोगे कैसा नहीं कल आपको धोखा खाना पड़े, आप भगवान बहुत बुरी तरह धोखा देते आपको। सबसे बड़ा धोखा कि भगवान ने आपको अपनी विस्मृति दी, भुला दिया मृत्यु के समय, इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी कृपा है भगवान ने आपको अपनी स्मृति दी, रिमेंबरेंस दी मृत्यु के समय, यह सबसे बड़ी कृपा है, भगवान ने आपको बचा लिया। जिससे जन्म उसकी मृत्यु है तो भगवान ने बचाया कैसे, रिमेंबरेंस देना एट ए टाइम ऑफ दैट मृत्यु के समय, रिमेंबर देना मी भगवान ने आपको बचा लिया, आपने धाम में भेज दिया, अगर नहीं याद कराया और उसके बाद नहीं याद आई इसकी तो समझो आपको चीट किया, क्योंकि आपने किसी ने किसी को चीट किया है, इसलिए आज आप चीट हो रहे हो। इसे बोलता हूँ मत बेवकूफ बनाओ, मत धोखा दो, क्लियर रहो, सिंपल रहो, जो है नहीं होता कोई दोष नहीं, मत करो, लेकिन हाँ बोल के बेवकूफ मत बनाओ, किसी को धोखाधारी मत करो, पता नहीं कल आपको धोखा खुद तक खाना पड़े, और कब खाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, किस रूप में खाना पड़ेगा पता भी नहीं चलता। दीज क्वालिटीज बी इनहेरिटेड फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स हू वर पास्ट, ये सारे गुण उनको अपने पूर्वज से मिले जो भक्त है। एज द ब्राह्मण एस्ट्रोलॉजिस्ट और युधिष्ठिर महाराज एज ए टाइम ऑफ परीक्षित बर्थ, परीक्षा के जन्म समय तो जोशो ने क्या कहा था युधिष्ठिर महाराज से, ओ सन ऑफ प्रथा दिस चाइल्ड विल बी एग्जैक्टली लैकिंग इक्ष्वाकु, यानी प्रथु के पुत्र ये जो लड़का है ये कैसा होएगा, इक्ष्वाकु की तरह होगा, सन ऑफ मनु इन मेंटेनिंग ऑल दोज अर बॉर्न, सबका पालन पोषण करेगा जो पैदा है,
and in following the Brahmanical principle, especially in being true to his promise. और ये ब्राह्मणों के सिद्धांतों को मानेगा, उनके अनुसार चलेगा और अपने वायदे के अनुसार रहेगा. He'll be exactly like राम, राम की तरह रहेगा. सत्यवादी the personal God है, the son of महाराज दशरथ, दशरथ के पुत्र राम की तरह होएगा. This child will be a munificent donor of charity. ये बहुत उदार होएगा, दान करेगा. And protector of the sundered, जो शरणागत है उनकी रक्षा करेगा. Like the famous king Sibi of the Ushinar country. राजा Sibi Ushinar देश का है, उसकी तरह होएगा. And he will be expand the name and fame of the family like Bharat, the son of Maharaj Dushyant. तो ये अपने नाम का विस्तार करेगा और अपने परिवार का, जिस प्रकार भरत ने किया था, जो दुष्यंत के पुत्र, उसी ने भारत देश पड़ा. ये भरत, राजा भरत के कारण ही. कौन? ये दुष्यंत के पुत्र भरत है, बहुत महान थे वो. अमंग्स ग्रेट ट्वाइस बॉर्न ही विल बी एज गुड एज टू अर्जुन पांडवाज. अमंग्स ग्रेट बोमैन, यानी जो धनुधारियों में श्रेष्ठ, वो अर्जुन की तरह होएगा. अर्जुन टू अर्जुन, यानी पांडव अर्जुन एंड कार्तवीर अर्जुन, यानी ये दोनों अर्जुन थे जिसके हजार भुजा थी, और एक अर्जुन जो थे जो उनके दादा थे, तो उनकी तरह ये धनुष चलाने में श्रेष्ठ होगा. ही विल बी इरेजिस्टेबल एज फायर एंड अनसरपासेबल एज द ओशन, यानी कोई इसे रोक नहीं सके जैसे अग्नि को रोक नहीं सकता, और इस पर कोई विजय नहीं प्राप्त जैसे कोई समुद्र पर को लांग नहीं सकता, इस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा. ही विल बी एज स्ट्रॉन्ग एज अ लायन, वो शेर की तरह तगड़ा होएगा. एंड एज वर्दी एज अ शेल्टर एज हिमालय माउंटेन, जैसे हिमालय रक्षा करते हैं कई चीज़ों से, तूफानों से, और इसी प्रकार ये भी रक्षा करेगा सबकी, सबको आश्रय देगा. विल बी फोर बेरिंग लाइक द अर्थ, ये धरती की तरह सहनशील होएगा. एंड एज टॉलरेंट एज अ पेरेंट, और माता पिता की तरह भी सहनशील होएगा, मतलब कि सहन करेगा सब कुछ, मतलब कि जैसे सॉरी फॉर बेरिंग लाइक द, यानी जैसे धरती जो उपजाऊ है पैदा करती, इस प्रकार इनके अंडर में श्रेष्ठ लोग उत्पन्न होंगे. इन इक्वानिमिटी ऑफ माइंड ही विल बी लाइक हिज ग्रैंड फादर युधिष्ठिर और ब्रह्मा. तो कहते हैं बुद्धि का संतुलन में रहना, ये अपने दादा युधिष्ठिर या ब्रह्मा की तरह होएगा. ही विल बी मैनिफिशन लाइक शिवा, शिव जी की तरह उदार होगा. द लॉर्ड ऑफ द कलाशिल एंड ही विल बी द रिजॉर्ट ऑफ एवरी वन, और ये सबका आश्रय होगा. लाइक द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड नारायण, नारायण की तरह जो सबके आश्रित, जो सब उनके आश्रित है तो उनकी रक्षा करते हैं. हु इज इवन द शेल्टर ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्चून, और नारायण जो हैं वो लक्ष्मी के भी आश्रय हैं. जो चाइल्ड विल बी ऑलमोस्ट एज गुड एज लॉर्ड कृष्णा बाई फॉलोइंग इन इज फुटस्टेप, यानी भगवान के पद का अनुसरण करने से उसके अंदर कृष्ण के सारे गुण आ जाएंगे, वो कृष्ण की तरह श्रेष्ठ होगा. क्योंकि जिस इंसान जिसका भजन करता है, गुणगान करता है, उसके गुण उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं. तो अब बोलेंगे इसके अंदर बहुत दया क्षमा है, ये दूसरों की तरह नहीं है, क्योंकि इसका क्या कसूर है, ये कृष्ण का भक्त है, राम का भक्त है, उनके अंदर यही गुण है, वो गुण उसके अंदर आ गए. तुम्हारे अंदर वो गुण क्यों है? क्योंकि तुम्हारे भजन में कमी है, तुम सिंसियर नहीं हो, तुम भजन नहीं करो, इससे तुम्हारे अंदर दया क्षमा के गुण नहीं है, तुम क्या कर सकते हैं फिर? कठोर हृदय हो, पाप कर्म के कारण कठोर हृदय होता है, दया नहीं आती कि किसी के दुखी को देख के नहीं आती दया लोगों को, क्योंकि पाप कर्म हृदय कठोर करता है. ये जब हृदय पिघलता है भजन से, तभी दया के भाव पर, तभी वो किसी की सहायता कर सकता है, क्योंकि उसका मन दुखी होता है किसी का दुख को देख के. हमको क्या, वो दुख है बेवकूफ़ बना रहा है, हमको ये लगता है कि सारे बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसी का दुख ही नहीं, मेरा ही दुख सबसे बड़ा है, सबको यही लगता है कि सब मेरे को बेवकूफ़ बना रहे. जब उसकी स्थिति में आता पता कि वो हाँ कितना बेचारा दुखी होगा, तब मैंने समझा नहीं. इसलिए भगवान कई बार दुख इसलिए देते हैं ताकि हम दूसरों के दुख को समझें. जब आपने दुख की अनुभूति की तब दूसरों के दुख को समझोगे, नहीं तो क्या वो कोई दुख है, सब बेवकूफ़ बना रहे, कोई दुख ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है ना, इसे तुम्हें ऐसा लग रहा है. कोई बात नहीं, आने तो तुम्हारा समय प्रतिकूल, तब पूछते हैं कि क्या दुख होता है. तो इन हिज मैग्नेमिटी ही विल बिकम एज ग्रेट एज द किंग
रंती देव उदारता में रंती देव की तरह होंगे एंड रिलीजन लाइक महाराज यति धर्म के में राजा यति की तरह ही विल बी लाइक बलि महाराज इन पेशेंस बलि महाराज की तरह उनके अंदर धैर्य होगा एंड अ स्ट्रॉन्ग डिवोटी और लॉर्ड कृष्ण प्रहलाद महाराज जैसे प्रहलाद महाराज की अदृढ़ निष्ठा थी यानी कितनी मुसीबतें आए वो विचित्र हुए उसी प्रकार ये भी विचित्र नहीं होंगे यानी हमें भी विचलित नहीं होना है। कलयुग हिरण्यकश्यपु है और प्रहलाद कौन है जो राम राम करते हैं तो कलयुग हिरण्यकश्यप नहीं चाहता प्रहलाद भजन करे कलयुग नहीं चाहता है जीव राम नाम करे लेकिन प्रहलाद को जो राम नाम कहता है तो नरसिंह को राम नरसिंह भगवान कौन है राम नाम नरसिंह है वो प्रकट होते जिस प्रकार हिरण्यकश्यपु का नाश किया ये कलयुग का नाश करेगा आपका कलयुग कुछ तो बिगाड़ सकता राम नाम नरसिंह भगवान है न माता मैं पढ़ा रामचरित मानस के अंदर राम नाम नरसिंह भगवान है तो नरसिंह भगवान का प्रकट करना है तो राम नाम करो वो कलयुग को नष्ट करेंगे कलयुग तो तंग करेगा ही करेगा वो चाहता नहीं भजन करो बीमारी भी देगा तकलीफ भी देगा पीड़ा भी देगा फिर लोग पहले कहा था तेरे को भजन तो कि भाई देखता हूँ तकलीफ आएगी तो फिर भी क्या ये क्या तूने क्या उधर गया क्यों गया तो तेरे को मना किया था वो कलयुग करेगा ही करेगा चाहे कुछ भी हो वो चाहता नहीं भजन करे लेकिन राम नाम निरंतर जपो कलयुग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और लोगों को भानना चाहिए थोड़ा भी हमने पहले कहा था ये सुनता नहीं किसी की बात ये अपनी करता हमने पहले कहा था और सब यही बोलते तुमने पाठ किया कथा कि इधर गए उधर गए इसे तकलीफ आए बोल गए कि जीव अपने कर्म से भुगत अपने कर्म से ठीक होता है समझे ना और कलयुग ने का प्रयास भी किया अगर निरंतर राम नाम का जप चल रहा है वो नरसिंह भगवान है उसको प्रकट उसको नष्ट करना ही पड़ेगा कुछ नहीं बिगाड़ सकता इतनी निष्ठा होनी चाहिए तुम्हारे अंदर क्योंकि थोड़ा भी है तो सब सिर पर चढ़ जाते हैं देख हमने पहले कहा था हम कहते हम जानते थे ये हुआ क्योंकि सहानुभूति को था सब उसको पीछे पड़ते हुए नीचे दिखाते हैं सहानुभूति को नहीं देता और चढ़ाने वाले 10 लोग गए हाँ जी इसको रोको उसको मना करो जी ये करो चढ़ाने वाले भी 10 मिल जाते हैं हमने पहले कहा था इतने चतुर हो सब लोग तो अपने जीवन में संकट को क्यों नहीं निवारण कर पाते मुझे बताओ अगर इतने चतुर हो तो आपके जीवन की बीमारी तुम्हारे को क्यों लगी है उसका निवारण क्यों नहीं कर पाए आपके जीवन के संकट को तो निवारण नहीं कर पा रहे आपके जीवन के शरीर की बीमारी को निवारण नहीं कर पा लेकिन चले दूसरे को सलाह करने कि कथा मत करो भजन मत करो बस ये करो वो करो आपके जीवन के संकट और बीमारी इतने चतुर हो तो अपने जीवन की समस्या का समाधान करो ना वो तो तुमसे हो नहीं पा रहा है और दूसरा कहते तुम गलत करो तो तुमने क्या सही किया तुम बताओ मुझे फिर तुम क्यों दुख पा रहे मुझे बताओ फिर तुम क्यों रोग से ग्रसित हो मुझे बताओ वाइल ऑन विक्ट्री टूर ऑफ हिज किंगडम परीक्षित केम टू कुरुक्षेत्र जब वो विजय के लिए जा रहे थे परीक्षित जो थे कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र आए ऑन द शोर ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग सरस्वती जो जहाँ पे सरस्वती बहती है पूरब की ओर एंड देयर कन्फ्रंटेड कली और कली का सामना वहाँ पे उनको उनका हुआ है द पर्सनैलिटी ऑफ द मॉडर्न एज कली इन द फॉर्म ऑफ शूद्र वाज कमिटिंग वायलेंस अगेंस्ट अ काउ एंड अ बुल तो कली जो थी शूद्र का रूप लेके क्या कर रहा था वो गौ और बैल पे प्रहार कर रहा था वो वॉज एक्चुअली द गॉडेस अर्थ एंड पर्सोनिफाइड रिलीजन और जो बैल जो धर्म है और जो गौ के रूप में प्रति थी उधर खड़ी परिषद सब्दुर गली एंड दस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ हिज ओन रेन ही लिमिटेड स्प्रेड ऑफ कलीज इन्फ्लुएंस तो उसने कलियों को दबाया और मेरे राज्य में तो नहीं रह सकता उसने कहा कि मुझे काल के अनुसार तो आना ही आना है मुझे रहने के स्थान दो पहले उन्होंने कहा मांस शराब जुआ पस्त्री कहते हमारा एक और स्थान दे दो क्योंकि आपके राज्य में मांस शराब जुआ पस्त्री तो कोई संग करेगा नहीं ये चीज़ होती नहीं फिर कहते स्वर्ण कहते ठीक है लेकिन कौन सा स्वर्ण आप धर्म पूरा कमाए वाले सर सोना तो रोज पहनते थे रोज कली नहीं गया एक दिन राजा परीक्षित जब शिकार के जाते हैं तो कौन सा जाते हैं वो जरासंध का पहना मुकुट पहनते और जरासंध का मुकुट जो है वो अधर्म की कमाई का है और जब भीम ने जरासंध का वध किया था उसके मुकुट को लेके आए थे तो वो अधर्म के मैदान तब कली प्रवेश कर गया एक बार याद रखना हाँ अधर्म की कमाई दूसरे का हक कमा पैसा कमाना दोष नहीं है लेकिन दूसरे का हक मारना दोष है
जिसकी जो पेमेंट है तुम उसका खाओगे, दूसरे को देना नहीं, इस पर तो कला रहेगी, अशांति रहेगी रहेगी भैया। किसी के पैसे खा के कोई हजम तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, उसकी हायत आपको तबाह करेगी करेगी। और लोग हमेशा अमीर दूसरे का हक मार के होना चाहते हैं। तो फिर लास्ट में ये स्थान दिया, इसलिए पांच नियम है, चार नहीं। जो बोलते चार नियम नहीं, पांच नियमों को फॉलो करना हमको। ये बड़े नहीं पता कि ये पांचवा नियम क्यों नहीं बोलते हैं, जबकि भागवत में क्या लिखा है, अधर्म की कमाई स्वर्ण जहाँ पे होता है उसको क्यों नहीं बोलते हैं? ये मुझे नहीं पता, इसके मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन पांच नियम फॉलो करने हमको, चार नहीं है। फॉर दिस अकॉम्प्लिशमेंट शी बिकेम वर्ल्ड फेमस बाय क्रिस्टल ग्रेस। परीक्षित रूल वॉज अ सोर्स ऑफ अमेजमेंट टू एवरी वन। कृष्ण कृपा से परीक्षित जब राज्य करते रहे सब आशे इतना बढ़िया, क्योंकि कृष्ण की कृपा होती है, कृष्ण बुद्धि देते हैं और बल देते हैं, तो सब कुछ संभव हो सकता है। कृष्ण जब अपने भक्त को यश और श्री प्रदान करते हैं कि तेरे हाथ से काम कराऊंगा, तेरे को यश दूंगा, तेरे को श्रेय दूंगा, दोनों चीज तेरे को दूंगा। जीव के विषय दे कृष्ण की कृपा, जीव कैसे जब भी कोई बड़े बड़े काम हुए हैं उसका श्रेय और यश केवल कृष्ण को जाता है, उसको खुद को नहीं। वो चाहे जब छीन सकते हैं और जब चाहे दे सकते हैं। अगर ब्रह्मास्त्र से अगर रक्षा करते तो तक्षणाक से रक्षा नहीं कर सकते थे क्या? वो शराब से रक्षा नहीं कर सकते थे उसके रक्षा करने के? उनका भागवत को प्रकाश है, इसको अपने धाम में लेके जाना, बस तेरा इतना ही काम था। तेरा काम तेरे शरीर से जो मैंने सेवा लेनी थी ले लिया, अब तेरा काम खत्म हो गया, अब तो मेरे धाम चल, मेरी सेवा उधर लग। भगवान अपने भक्त को उतने ही समय रखेंगे जिससे उनका उसको अपना प्रयोजन सिद्ध करना होता है। प्रयोजन सिद्ध होने के बाद उसको अपने धाम में ले जाते हैं। अब बहाना बन जाता है, शराब मिल गया या बीमारी लग गई, ये शराब में बहाना होता है। हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ना हार्ट अटैक होता ना एक्सीडेंट, सब काल का अटैक होता है। काल किस रूप में आके मारता है कोई कह नहीं सकता। सब बोलने की बात है, हार्ट अटैक एक्सीडेंट मेन है काल का अटैक। तो इन क्रिस्टस ग्रेस परीक्षा वॉज अमेजमेंट टू एवरी वन। द किंगडम वॉज फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस एंड अबंडेंस इन वेल्थ। उस पर कोई परेशानी नहीं थी और अपार ऐश्वर्य था, धन था। ब परीक्षा लॉज इंटरेस्ट इन रॉयल ऑपुलेंस इन अ मोमेंट व्हेन कर्स्ड बाय श्रृंगी द सन ऑफ सेज ऑफ श्रमिक। तो जब श्रृंगी ऋषि ने उसको श्राप दिया, जो श्रमिक ऋषि के पुत्र थे, तो उनका उसी क्षण आसक्ति खत्म हो गई। तो वह श्राप भी मंगलकारी है जो आपकी आसक्ति खत्म कराए, आप भगवान की तरह ले जाए, वह श्राप भी वास्तव में आशीर्वाद था। यही तरीका होता है जीव को अपने पास लाने का। बहुत ही देर श्राप मिल गया बेचारे को, लेकिन आसक्ति खत्म कराए। दशरथ जी के प्रतिकूलता है तो उनको राम की याद है, वह प्रतिकूलता रियल आशीर्वाद है जो राम राम करवाता है। उनका मन तो कहते 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 मेरा मन तो तेरे मुख का चकोर है। तो मेरा जब भगवान ने कहा जब आपका मन मेरे मुख का चकोर था मैं आपके जिन में आया, आज आपका मन किसी और के मन का चकोर हो गया तो मैं चले जाता हूँ। और वही कह के जब राम जाए मैं तेरी शक्ल नहीं देखनी, मुझे अपना मुंह नहीं दिखा जब मैं जीवित हूँ, क्यों जिसको तुमने गज गामनी कितने बड़े बड़े टाइटल लगाए थे बोला था उसको, तो आज वो सुंदरता कहाँ गई? क्योंकि राम नहीं तो सारी सुंदरता खत्म, सुंदरता राम से है, इससे को देखने लायक नहीं रहेगा। कहते थे वो देखना नहीं है। कोकिल भाई ने गज गाम ने इतने बड़े शब्द लगाए थे, आज क्या हो गया इसको, किधर की सुंदरता, क्यों उसको दे? क्योंकि राम चले गए ना सारी सुंदरता खत्म हो गई। तो सुंदरता प्रभु के नाते ही होती है। द ब्राह्मण सन कर्स द किंग दिस ऑन द सेवंथ डे फ्रॉम the day a snake bird will bite that most wretched member of the dynasty because of having broken the laws of etiquette by insulting my father. तो कहते आज से सातवें दिन
एक तक्षण आएगा उसका वध करेगा क्योंकि वो दुष्ट इंसान है। ये वो राजा, ये जो शिंगे ऋषि बोल रहे हैं, और उसने मेरे पिता की बेइज्जती की है, इसीलिए तो उसके पिता ने बहुत फटकारा था कि तुमने कल गलत श्राप दिया, तुमने बहुत गलत काम किया। परीक्षित अंडरस्टूड हाउवर दैट द कर्स वाज आल्सो कृष्ण अरेंजमेंट, ये श्राप भी कृष्ण की अरेंजमेंट थी, वो परीक्षित जो भक्त समझते हैं क्योंकि मेरे अंदर वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। काक भुशुंडी की कथा पढ़ो, उसको राजा भुशुंडी शर्मा से सीधा कौवा बना दिया। अब हम जैसे होते चलो कुछ और होते तो सीधा कौवा पक्ष में सर्व से, फिर भी उसने भक्ति नहीं छोड़ी, उसको वो वर मिले जो आज तक किसी को मिले नहीं थे, प्रभु की सारी लीला के रहस्य प्रकाशित हो गए। और उसका कोई साधन नहीं, और जो चाहे शरीर ले सकता है, जो चाहे ऐसी कोई चीज नहीं जो उसको ना प्राप्त हुई, मुझे बताओ। क्योंकि एक ब्राह्मण से सीधा कौवा बन गया श्राप प्राप्त करके लोमा ऋषि का, फिर भी उसे हरिनाम नहीं छोड़ा, राम नाम नहीं छोड़ा, कहते भी प्रभु की कृपा जो उस कोमर में श्राप दिया, जब भगवान का हाथ देखा तो उसको कितने आशीर्वाद मिले। इसलिए जो प्रतिकूलता आती है भगवान की इच्छा से आती है, हमें भजन में लगाने के लिए आती है। अदरवाइज दिस किंग वुड हैव नेवर हैव कमिटेड सच एन ऑफेंस एज अ प्योर सेज, और द यंग सन ऑफ द सेज वुड नेवर कॉज द कर्स। द किंग ऑफ कृष्ण वुड हैव एम्पावर्ड द किंग टू न्यूट्रलाइज द कर्स, यानी हो सकता है कृष्ण अपनी शक्ति से उसको श्राप को ख़त्म भी करा सकते थे, या उनकी बुद्धि क्यों मारी गई। जो भगवान के इसे कहते हैं ना कोई ज्ञानी ना कोई मूर्ख, प्रभु जब जिसको जैसा वैसा उसी होता है। ये एक लाइन किसके ऊपर होती है, शरणागत भक्त के लिए, नारद जैसे भक्त के लिए। परीक्षित जो पूर्ण शरणागत है, हमारे पे लाइन लागू नहीं होती। अगर उनके जीवन में जो प्रतिकूलता प्रभु की इच्छा से आ रही होती है, और अनुकूलता प्रभु की इच्छा से आ रही थी, प्रभु कोई ना कुछ करना चाहते, हम तो अपने बुरे कर्म से, हम तो शरणागत ही कहा, हम तो अपने कर्म से प्राप्त करें जो कुछ है। जो शरणागत उनके जीवन में जो हो रहा है, चाहे अनुकूलता दिखती चाहे प्रतिकूलता, प्रभु की इच्छा से हो रही होती है। The immediate effects of the curse was to awaken Parikshit's sense of renunciation. तो उसके अंदर त्याग उत्पन्न करने के लिए लीला की गई। तो अगर राम से पूछा बन क्यों, कहता है दशरथ जी के जो मैं वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, उनकी संसारी कामनाएं खत्म करने के लिए, उनकी कामनाएं बढ़ती जा रही थी, तो जब तक प्रतिकूलता नहीं गई तो कामनाएं खत्म करेगी। जी प्रयास करेगा, प्रयास करने के बाद भी जब सफलता है तभी तो वैराग्य उत्पन्न होता है, वही तो करना था। यहाँ पे भी प्रतिकूलता है वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। मैं 2-3 मिनट और लूँगा, टाइम तो हो गया, 2-3 मिनट लूँगा, ये पैराग्राफ पूरा कर लूँ। द सुप्रीम पर्सन गॉड है दी कंट्रोल ऑफ बोथ दी ट्रांसेंडेंटल एंड मुंडेन वर्ल्ड, जो चिन्मय और भौतिक जगत के जो शासक हैं, स्वयं भगवान हैज ग्रेशियसली ओवरटेकन मी इन द फॉर्म ऑफ श्री ब्राह्मण का, वो मेरे पे हावी हो गए ब्राह्मण के श्राप के द्वारा। बिकॉज ऑफ माई बींग टू मोस्ट मच अटैच टू फैमिली लाइफ, द लॉर्ड इन ऑर्डर टू सेव मी हैज अपीयर्ड बिफोर मी इन सच अ वे दैट ओनली आउट ऑफ फियर आई विल डिटैच मायसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। कहते क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परिवार में आसक्त था, संसार में आसक्त था, मुझे बचाने के लिए जन्म मृत्यु से मुझे ऐसी प्रतिकूल ऐसा भय पैदा किया कि मृत्यु का, कि मुझे अब सब भगवान से शरण लेनी पड़ेगी। अब तो कथा सुन के विभीषण दे गए, प्रभाव दे के तो जोते मारे तब तो गए। तो यह प्रतिकूलता प्रभु ही अरेंज करते हैं कि हमारे मंगल, एक्चुअली हमको बचाने के लिए, क्योंकि मेरी अपने परिवार में आसक्ति खत्म का हो रही है तो क्या करेंगे, तो उन तो झगड़े पैदा करवाएंगे, मिसअंडरस्टैंड करेंगे ताकि आपको वो अलग करें, फिर आपका मन उबेगा, दिल टूट जाएगा, फिर आप भगवान की तरफ आओगे, फिर उसकी शरण लोगे। ये भगवान की अरेंजमेंट है आपको बचाने के लिए, संसार से निकलने के लिए, भजन कराने के लिए ही ये प्रतिकूलता दी। नहीं तो समय कहाँ मिलता जी, उसकी सेवा, सबकी सेवा करनी, राम की सेवा छोड़ कर हम सबकी सेवा करें। इसलिए प्रभु कहता हूँ अपने तो अपनी सेवा करवाता हूँ, ऐसे लड़ाई करवाता हूँ, फूट डलवाता हूँ घरों में, लड़ाई पैदा करवाता हूँ, और देखो तुम कैसे मेरी शरण में सब आते हो, सब माला पकड़ोगे, सब इनाम लोगे भी। यह भगवान की अरेंजमेंट होती है। लेकिन जो इस दृष्टि से देखता वो इसलिए ना संसार को हमको शास्त्र की दृष्टि से देख रहा है, अपने मटेरियल आई से नहीं, शास्त्र की दृष्टि से देख रहा है, तो सही समय में आएगी अर्थ हमको, एज इट इज समय में आएंगे। बिकॉज परीक्षा वॉज इंग्रॉस इन हाउसल ऑब्लिगेशन, ही कंसिडर हिमसेल्फ सिंफुल, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा घर में व्यस्त थे, आ सकते, तो
तो वो अपने को पापी इसलिए कह रहे हैं मैं पापी हूँ. बट ही वॉज ग्रेटफुल टू श्री कृष्णा जस्ट टू ड्रॉ हिम क्लोज अपीयर टू हिम इन द फॉर्म ऑफ ए ब्राह्मण. फिर उनको भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि मैं बहुत तेरे प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि तूने मुझे श्राप के द्वारा वो आसक्ति से निकाला, वो आसक्ति काटी तूने मेरे को. When an attached person in the family receives such a curse, he naturally becomes frightened. जिसके सामने वो आसक्त उसको श्राप मिल जाए वो घबरा, नहीं नहीं मेरे को परिवार से दूर मत करो, मेरे को परिवार के साथ रहना है, रिश्तेदारों में घुसे रहना है, दोस्तों में घुसे रहना है, इनके बीच में बच्चों के पोतों के पोतों के बीच में घुसा. वो कहते हैं कुछ नहीं, मैंने तुझे निकालना है, तुझे भव सागर से निकाला है, मैं तेरे को निकाल के रहूँगा क्योंकि तूने थोड़ा तो मेरा हरिनाम किया. अब या तो तू नहीं करता तो मैं गुस्से रहने देता, अब तूने मेरा थोड़ा भजन किया, अब तूने मेरे चंगुल में फंस गया, मैं तो निकाल के लूँगा. तो चाहे या नहीं चाहे मैं तो जबरदस्ती निकाल के लूँगा बाहर. वो जबरदस्ती बाल पकड़ के निकालते हैं, ऐसे हमारा बच्चा दी जाए स्कूल पकड़ के खींच खींच के लेके जाती है, वो हमको खींच खींच के लेके आता, आ या नहीं आ रो या पीट मैं निकाल के लेके जाना. वो रोता रहता मुझे नहीं जाना छोड़ना नहीं छोड़ना, मैं तुझे निकालने निकाल दे कैसे नहीं निकलता, तो बाल खींच के हमारे निकाल के लेके जाएंगे वो, हम दुखी होंगे लेकिन वो निकालते हैं. तो दिस इज ऑस्पिशियस फॉर दी कंडीशन. उल्टा ही कितना मंगलकारी है कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, ये श्राप मिल रहा है, सब दुष्टता दोस्ती खत्म हो रही है. बिकॉज फियर कैन हेल्प इंस्पायर रेनुंसिएशन, क्योंकि भय से तो त्याग वैराग्य उत्पन्न होता है. एंड इन रेनुंसिएशन कृष्णा कैन बी अचीव, और जब वैराग्य उत्पन्न कृष्णा की खूब भक्ति हो सकती है उसकी प्राप्ति. देयरफॉर कृष्णा अरेंज फॉर अ ब्राउन बॉय टू कर्स परसे, इसलिए भगवान ने अरेंजमेंट की कि तो उसको श्राप दे. कथा हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं आगे कैसे चलती है कथा. वांछा कल्पतृभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमः. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.